तुझ पे सब कुछ लुटा दूं मैं, तू हीरो से कीमती, ये जिंदगी की क्या मोल है, तू हीरो से कीमती, तुझ पे सब कुछ लुटा दूं मैं, तू हीरो से कीमती, ये जिंदगी की क्या मोल है, तू हीरो से कीमती, ना मुड़ूंगा ना झुकूंगा, यीशु नाम को ऊंचा करूंगा, ना मुड़ूंगा ना झुकूंगा, यीशु नाम को ऊंचा करूंगा, मेरी जिंदगी में मसीह, मेरी जिंदगी में मसीह, बस तुझे प्रथम स्थान दूंगा, हो Praise the Lord. Hallelujah. Let's pray. आइए प्रार्थना करें. God is good. परमेश्वर भला है. You don't have to fear. आपको डरने की जरूरत नहीं. God never wants us to fear. प्रभु कभी नहीं चाहता कि हम डरें. A fear relationship is not a right relationship. डर से जुड़ा नाता सही नाता नहीं होता. And fear comes because we don't have the right information of who God is. और परमेश्वर कौन है इसकी सही जानकारी हमें नहीं, इसलिए हमारे मन में डर आता है. Fear is the reverse of faith. विश्वास के विपरीत है डर. When you know that God is love, जब आप जान लेते कि परमेश्वर प्रीति है, and how much He loves you, और वो आपको कितना बढ़कर चाहता है, that love will remove fear from your life. तो यही प्रीति आपके मन से हर एक डर को दूर कर देगी. Yeah, put up this fan, someone. Yeah, put this fan off. Thank you, Father. धन्यवाद पिता. Yeah, put this fan on. Let us pray. Father, we thank you. You're a good God. पिता धन्यवाद, आप भला ईश्वर हैं. You're a great God. महान ईश्वर हैं. You're almighty God. सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं. You're a creator. निर्माणकर्ता हैं हमारे. You're a provider. हमारे प्रबंधक हैं. We believe you're a sustainer. विश्वास से आप हमारे पालनहार हैं. Thank you, Father. धन्यवाद पिता. Your qualities are eternally good. और आपके गुण हैं वो सनातन के लिए अच्छे हैं. It won't change. वो कभी बदलेंगे नहीं. You're unchangeable. आप कभी ना बदलने वाले ईश्वर हैं. You present yourself as grace. आप कृपा के तौर पे अपने आप को पेश करते हैं. Not as a God of judgment. न्याय के ईश्वर के तौर पे नहीं. But as a God of grace. पर कृपा के परमेश्वर के तौर पे. Only when we reject you. केवल जब हम आपको ठुकराते हैं. We come under God's judgment. तभी हम परमेश्वर के न्याय के नीचे आते हैं. But all those who received. पर जो कोई आपको अपनाता है. Jesus. यीशु को अपनाता है. The way to God's heart. परमेश्वर के हृदय के पास जाने वाला. Under God's favor. वो परमेश्वर की कृपा के नीचे हैं. वो कृपा के नीचे हैं. Thank you, Holy Spirit. धन्यवाद पवित्र आत्मा. For teaching us all these truths. ये सारे सत्य हमें सिखाने के लिए. These are spiritual, eternal truths. ये सनातन के सत्य हैं. By which we must live. जिसके द्वारा हमें जीना है. Not the natural life. सांसारिक जीवन नहीं. Thank you, Father. धन्यवाद पिता. I thank you for each and everyone who has come here. पिता जो आया हर एक के लिए धन्यवाद देता हूँ. To receive Thy word. ताकि आपके वचन का स्वीकार करें. Thy word is a blessing. आपका वचन महान आशीर्वाद है. So that their mind is renewed. ताकि उनका मन नया हो. And they start the living the God life. और वो परमेश्वर वाला जीवन
जीवन जीने लगे the word life वचन वाला जीवन the divine faith life जो दिव्य विश्वास वाला जीवन है and the devil cannot disturb us और शैतान हमें बेचैन नहीं कर सकता we resist the devil in Jesus name हम शैतान का सामना करते हैं यीशु के नाम में he is the lone enemy वो एकमात्र हमारा शत्रु है of God and mankind परमेश्वर मानव जाति का thank you father धन्यवाद for Jesus defeated him क्योंकि यीशु ने उसे हरा दिया क्रूस पर Thank you, Lord. धन्यवाद. In Jesus' name, we pray. यीशु के नाम में प्रार्थना. Amen. Kindly be seated. आप लोग बैठ सकते हैं. God is good all the time. परमेश्वर हमेशा से ही भला है. Amen. Amen. Let us learn who God is. आइए कि हम सीखें परमेश्वर कौन है. Because God is misrepresented. क्योंकि परमेश्वर की गलत छवि पेश की जाती है. Many have lied about who God is. और परमेश्वर को लेकर बहुत से लोगों ने झूठ फैला रखा And है. That's why the devil is taking advantage. और यही कारण है शैतान इस बात का फायदा उठा Because पाता God है. Because God alone is our strength. क्योंकि परमेश्वर एकमात्र हमारी ताकत है. If you don't know who God is, यदि आप जानते नहीं परमेश्वर कौन है, we cannot be strengthened in life. तो अपने जीवन में हम बल नहीं पा सकते. And through deception, और भ्रम के द्वारा, and lies, झूठ के द्वारा, the devil can harm us. शैतान हमें नुकसान पहुंचा सकता है. Amen. Amen. The devil has no power. शैतान के पास कोई शक्ति नहीं. He has power. उसके पास शक्ति है. Oh, those who don't believe in Jesus. उन लोगों के ऊपर उसका बस चलता है जो यीशु पे विश्वास नहीं करते. Because believing in Jesus is a great blessing. क्योंकि यीशु पे विश्वास करना महान आशीर्वाद है. What does believing in Jesus mean? अब यीशु पे विश्वास करने का मतलब क्या है? It means all that Jesus did for us. इसका मतलब है जो कुछ यीशु ने हमारे लिए किया. For mankind. मानव जाति के लिए किया. Becomes ours. वो हमारा हो जाता है. By faith. विश्वास से. And you can enjoy those blessings. और आप उन आशीर्वादों का आनंद उठा सकते हैं. Amen. Why did Jesus come? प्रभु यीशु क्यों आए? He didn't come for himself. वो खुद के लिए नहीं आए. He came for us. वो हमारे He came with a mission. वो एक मकसद के साथ आए. To bless our lives. ताकि हमारे जीवन को आशीर्वादित करे. He came for us. वो हमारे लिए आए. Amen. Amen. He came for our benefit. वो हमारे फायदे के लिए आए. He came for our profit. वो हमारे मुनाफे के लिए आए. He came that we may live a blessed life. वो इसलिए आए ताकि हम एक आशीर्वादित जीवन जी सकें. You know when. People see all these problems in the world. आप जानते हैं जब दुनिया में लोग तकलीफों को देखते हैं, they blame God. तो वो परमेश्वर पे दोष लगाते हैं. It's not God. ये परमेश्वर नहीं है. It is because of sin. ये पाप के कारण. We lose the devil. हम शैतान के हवाले हो जाते हैं. On this earth. इस धरती पर. And he's become the master. और वो स्वामी बन चुका है. Is the master of sin. वो पाप का स्वामी है. And those who serve sin. और जो पाप की सेवा करता है, वो उनका स्वामी बन जाता है. Amen. Amen. It is not God. ये परमेश्वर नहीं है Who loosed him on this earth? जो इस शैतान को धरती पर खोल Who is the devil? शैतान कौन है is an angelic being. वो एक स्वर्गीय प्राणी है you know, the people of the world don't know anything about this devil. और शैतान को लेकर दुनिया के लोगों को बिल्कुल जानकारी नहीं है In fact, they think these people are preaching all wrong. और उन्हें तो लगता है कि जो हम प्रचार करते हैं वो बिल्कुल गलत है There is no devil. कि शैतान तो है ही नहीं Some people think that When man dies, a wicked man dies, he becomes the devil. और कुछ लोगों को तो लगता है जब कोई बुरा इंसान मर जाता है तो वो शैतान बन जाता है. So they try to appease the person who is dead. इसलिए जो मर चुका है ऐसे इंसान को प्रसन्न रखने की कोशिश करते हैं. Rather, he come again and punish them. ऐसा ना हो कि वो वापस दोबारा आए और हमें सजा दे या हमें श्राप दे. Hello. Yeah, many are trying to appease. तो बहुत से लोग प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं. Because they show in the movies. क्योंकि ऐसे पिक्चरों में दिखाया जाता है. मेरे को मार दिया, मैं आत्मा बन के आएगा और सताएगा. So that, see, you know, the devil is corrupted everything. देखिए शैतान ने सारी बातों को दूषित करके रख दिया है. He uses all these platforms. वो ये सारे मंचों का इस्तेमाल करता है. To teach lies. ताकि झूठ फैलाए. Remember this. ये बात याद रखिए. Don't take everything what the world gives. जो दुनिया देती है हर एक बात का स्वीकार मत कीजिए. And we live based on those. Teachings. और जो झूठी शिक्षाएं दुनिया देती है उसी के आधार पे हम so जीते it becomes very easy for the devil to harm anyone. और फिर शैतान के लिए किसी को भी नुकसान पहुंचाना बहुत आसान हो जाता Because है when once a person is in deception, क्योंकि एक व्यक्ति जब भ्रम में होता है his influence works faster. तो शैतान का प्रभाव उस पे बहुत जल्दी असर दिखाता Then he है doesn't need to deceive them. और तब उन्हें धोखे में लगना फिर उसके लिए जरूरी नहीं रहता so through different platforms, तो अलग अलग मंचों से maybe through movies, हो सकता है पिक्चरों से serials, हो सकता है कि सीरियल से लोगों के द्वारा On teaching something. वो लगातार झूठी शिक्षाएं फैलाता है So that when you hear these wrong teachings, ताकि जब आप इन झूठी शिक्षाओं पे ध्यान दें you come under demonic influence. तो आप शैतानी प्रभाव के नीचे आ जाते हैं Deception is the weapon of the devil. और भ्रम शैतान का हथियार है Lies is the weapon of the devil. झूठ शैतान का हथियार है Amen. Amen. But truth from the word of God पर परमेश्वर के वचन से आया सत्य इज योर वेपन वही आपका हथियार है Amen. Amen. The truth will make you free. सत्य आपको आजादी देगा He cannot bring you into any bondage. तब वो पुनः आपको बंधन में नहीं ला पाएगा. God's truth is powerful. परमेश्वर का सत्य सामर्थ्यशाली है. Amen. Amen. So many people don't know who the devil is. बहुत से लोग जानते ही नहीं कि शैतान कौन है. If you don't know the real enemy, यदि आप अपने असली शत्रु को नहीं जानते
then he can conquer your life. तब तो वो आपके जीवन पे जय पा सकता है. Do not be ignorant. अज्ञानी ना रहो. वचन कहता अज्ञानी ना रहो. But our focus is not on him. पर हमारा ध्यान उस पे नहीं है. But we are not ignorant of him. पर उसके हथियारों से हम अनजान भी नहीं है. Some people only the only focus on the devil. अब कुछ लोगों का ध्यान सिर्फ शैतान पे लगा रहता है. That's also wrong. ये भी तो बिल्कुल गलत है. Everywhere they find the devil. तो हर जगह उन्हें शैतान ही दिखाई देता है. Anything they see the devil. हर बात में वो शैतान को देखते हैं. वो लगातार शैतान को बांधते और बांधते और बांधते चले जाते हैं. Instead of focusing on Jesus. इसके बजाय कि यीशु पे ध्यान दे. They look to the devil. वो शैतान पे ध्यान देते हैं. Who's been defeated by Jesus. क्योंकि यीशु द्वारा हराया गया है. They are the one who give him so much publicity. और यही शैतान का बहुत ज्यादा विज्ञापन करते हैं. Amen. Amen. So you must know the truth. तो जरूरी है कि आप सत्य को जाने. You must know the truth about God. परमेश्वर को लेकर सत्य को जानिए. You must know the truth about the devil. शैतान को लेकर सत्य को जानिए. He is powerful. वो सामर्थ्यशाली है. Because he is a spirit being. क्योंकि वो एक आत्मिक प्राणी है. Amen. Amen. He is a spirit being. वो एक आत्मिक प्राणी है. He is powerful. वो सामर्थ्यशाली है. But remember. पर याद रखिए. Jesus defeated him. कि यीशु ने शैतान को हराया है. On the cross. क्रूस पर. Amen. Amen. You must know this. और इसकी जानकारी आपको होनी ही चाहिए. He is the one who has robbed us. और वही एक है जिसने हमारी चोरी की है. The life that God gave us. और जो जीवन परमेश्वर ने हमें दिया. The wonderful life. और सुंदर जीवन. The blessed life. आशीर्वादित जीवन. To dominate over all the works of God's hand. ताकि परमेश्वर के हाथों के हर एक रचना पे हम प्रभुता करें. No sickness, no disease. कोई बीमारी, कोई रोग नहीं. No death. कोई मृत्यु नहीं. No curse. कोई श्राप नहीं. Such a life God had given us. तो ऐसा आशीर्वादित जीवन परमेश्वर ने हमें दिया था. But man sinned. पर इंसान ने पाप किया. And then set him free. और उसके बाद शैतान आजाद हुआ. From that time. You know, he was bound in darkness. अब जानते हैं शैतान अंधकार में बंधा हुआ था. Since there was no darkness. क्योंकि अंधकार ही नहीं था. When God made man. जब परमेश्वर इंसान को बनाया. He couldn't do anything. तब शैतान नुकसान नहीं पहुंचा पाया. But when sin entered. पर जहां पाप ने प्रवेश किया. Through man. मनुष्य के द्वारा. We released the devil. हमने ही शैतान को खोला है. And from that time. और उस समय से. He's taken over. वो राज करता है. And he's become the god of this world. और जगत का ईश्वर बन बैठा है. Whether people believe it or not. चाहे लोग विश्वास करें ना करें. All these problems. ये सारी तकलीफें. Are because of the devil. ये सिर्फ शैतान के कारण है. Though man does it. इसके बावजूद कि इंसान ये काम करता है. Because he's influenced by the devil. क्योंकि शैतान के प्रभाव के नीचे वो रहता है. If he knows what are the works of the devil. यदि इंसान जान ले कि शैतान के काम कौन से हैं. He won't be a partaker of the devil's works. तो शैतान के कामों का वो भागीदार नहीं बनेगा. Amen. Amen. You must know what is of God. आपको पता होना चाहिए कौन सी बातें परमेश्वर से हैं और कौन सी बातें शैतान से हैं. People are so confused. लोग इतने उलझन में हैं. What is of the devil? They think it is of God. They receive it. और जो बातें शैतान से उन्हें लगता है परमेश्वर से और वो उसे अपना लेते हैं. And what is of God, they resist it. और जो परमेश्वर से है उनका विरोध करते हैं. The Bible says, वचन में लिखा submit to God. कि परमेश्वर के हवाले कीजिए. That means you must know what is of God. इसका मतलब है आपको पता होना चाहिए कौन सी बातें परमेश्वर से है. If you don't know what is of God, यदि आप नहीं जानते कौन सी बातें प्रभु से है, you won't submit it. तो आप अपने आप को उनके हवाले नहीं करेंगे. Ignorantly, unknowingly, you may resist it. और अज्ञानी तौर से अनजाने तौर से आप उनका विरोध या सामना करेंगे. God is a good God. परमेश्वर भला ईश्वर है. Amen. Amen. The devil is a bad devil. और शैतान बुरा शैतान है. All good gifts come from God. सारे अच्छे और भले दान परमेश्वर से आते हैं. Amen. Amen. He's a good God. वो भला ईश्वर है. When you come to God, जब आप परमेश्वर के पास आते हैं, come with fear. तो आपको डर के मारे आपके जरूरत नहीं, विश्वास से आइए. He's a good God. वो भला ईश्वर है. But if information is wrong about him, यदि परमेश्वर को लेकर आपकी जानकारी गलत है, you are resisting. तो आप विरोध कर रहे हैं. God's goodness. परमेश्वर की भलाई का. To enter your life. कि आपके जीवन में प्रवेश ना कर पाए. God never closes his door. परमेश्वर अपने दरवाजे को कभी बंद नहीं करता. क्यों? Because Jesus finished the work. क्योंकि यीशु ने कार्य को समाप्त किया. And after he finished. और कार्य समाप्त करने के बाद. And declared it is finished. और ऐलान किया कि समाप्त हुआ. The door of blessing from God is open. तो परमेश्वर से जो आशीर्वाद का द्वार वो सदा के लिए खुल चुका है. Amen. Amen. You're not trying to do anything to open the door. आप कोई कोशिश या मेहनत नहीं कर रहे ताकि उस दरवाजे को खोल सके. Grace has opened the door. कृपा ने वो द्वार खोल दिया है. Jesus has opened the door for you. यीशु ने वो द्वार आपके लिए खोल दिया है. That's what the Bible says. यही तो वचन में लिखा है. Yes, open the door. कि उसने वो द्वार खोला no है. No one can shut it. आप कोई पुनः उसे बंद नहीं the कर सकता. The devil cannot shut it for you. शैतान उसे बंद नहीं करता आपके no लिए. No man can shut it for you. कोई इंसान आपके लिए वो बंद नहीं कर सकता. It is by your ignorance. ये आपकी अज्ञानता के द्वारा. You close the door. आप खुद वो दरवाजा बंद करते हैं. ताकि वो आशीर्वाद आपको ना मिल पाए. It's never God. ये परमेश्वर नहीं है. But the messages are wrong. जो संदेश दिए जा रहे हैं वो गलत है. बहुत से संदेश गलत दिए जा रहे हैं. They're trying to motivate God. वो परमेश्वर को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं. या परमेश्वर को बदलने की कोशिश कर रहे हैं. परमेश्वर को सहमत या मनाने की कोशिश कर रहे हैं. You don't have to do all
that. आपको ऐसे सारे काम करने की जरूरत नहीं है. You don't have to change God. आपको परमेश्वर को बदलने की जरूरत नहीं है. Good. आपको उसे भला बनाने की जरूरत नहीं है या कृपालु दयालु बनाने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है. वो हमेशा से ही भला रहता आया है. Amen. You're wasting your time. आप अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं. Trying to change God. जहां परमेश्वर को बदलने की कोशिश करते हैं और उसे सहमत और मनाने की कोशिश करते हैं, जहां उसे प्रसन्न करने की आप कोशिश करते हैं, आप अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं. Wasting your time. समय को बर्बाद कर रहे हैं. You cannot do it. आप ऐसा नहीं कर सकते. He's always good. वो हमेशा सही भला है. You don't change him. आप उसे नहीं बदलते. But the right knowledge change yourself. और सही जानकारी पाके खुद को Bring बदलिए. अपनी सोच नहीं बनाइए. You change your mind. आप अपने मन को बदलेंगे. Amen. Amen. Then you get connected to the goodness of God. और उसके बाद परमेश्वर की भलाई से आप जुड़ जाएंगे. You know, I've seen Christians too. मैंने मसीहों को भी देखा है. Till now they are still struggling. अब तक वो संघर्ष कर रहे हैं. With the law and the grace message. जहाँ व्यवस्था, नियम शास्त्र और कृपा की बात आती है, दोनों में अब भी उलझे हैं। They talk about grace. वो कृपा के बारे में बोलते तो हैं। Actually, they don't know grace. पर दरअसल वो कृपा को जानते ही नहीं। They live in fear. वो डर में जीते हैं। Thinking when God will target them. उन्हें लगता है पता नहीं कब परमेश्वर अपना निशाना। So they go from meeting to meeting. निशाना कब मेरी ओर साधेगा, कब मुझे शिकार बनाएगा, इसलिए सभा छोड़ एक सभा दूसरी सभा में भागते चले जाते हैं। Spend now 10 days before God. अब प्रभु के आगे मैं 10 दिन बिताऊंगा। I'll do fasting for 10 days. मैं 10 दिन उपवास रखूंगा। So that God will be happy with me. ताकि परमेश्वर मेरे जीवन को लेकर खुश हो जाए। And then they become happy. और उसके बाद उन्हें अच्छा लगने लगता है। God is happy. क्या परमेश्वर मुझे लेकर खुश है? They come out. A few days they become happy. अब थोड़े दिन तक वो खुश रहते हैं. Because that sensation is there. क्योंकि उस तरह की भावना बनी रहती है. उस तरह की महसूस बना रहता है. The feeling is there. कि उस तरह की भावना बनी रहती है. So once again they come back to the course of life. और उसके बाद जीवन के रोजमर्रा के जीवन के वो फिर से आ जाते हैं. Once again the fear comes. फिर से डर उन्हें दबोच लेता है. Again they think ना अभी किधर जाने पड़ेगा. कोई सेमिनार है क्या 15 दिन का 20 दिन का? उधर थोड़ा मैं ताजा हो जाऊंगा. It's not that way. तो ऐसा नहीं चलता. See, God is the same. परमेश्वर समान है. Amen. Amen. He never changes. वो कभी नहीं बदलता. You renew your mind. आप अपनी सोच नई बनाइए. Amen. Amen. You can live a blessed life. आप चाहें तो आशीर्वादित जीवन जी सकते हैं. Okay. You know, don't be offended. बुरा मत मानिए. If I don't say that, then how will you know? यदि मैं नहीं बताऊंगा तो आपको पता कैसे लगेगा? You know, some people get offended. आप कुछ लोग बुरा मान जाते हैं. Okay. So the gospel is a blessing. तो शुभवर्तमान महान आशीर्वाद है. The message is a blessing. शुभवर्तमान का संदेश महान आशीर्वाद है. आप मानते हैं, विश्वास करते हैं? When you hear, जब आप इसे सुनते हैं, from God, परमेश्वर से आया संदेश, तो याद रखिए, it's good news. तो ये अच्छी खबर है. Amen. Amen. See, God never condemns. देखिए, परमेश्वर कभी दंडित नहीं करता. You know, you must come on Sundays and other days. आपको रविवार और दूसरे दिन आना है. To get the right message. ताकि सही संदेशों को पा सके. You know, the Bible says God even does not even condemn the sinners. और बाइबल तो कहती है कि वो जगत का न्याय भी नहीं करता. How will he condemn you? फिर वो आपको दंडित क्यों करेगा? If you're a child of God, यदि आप परमेश्वर के संतान हो चुके हैं. Amen. Amen. He doesn't condemn the sinners. तो वो पापियों को भी दंडित नहीं करता. Many of the messages are, You sinners, you're going to hell. अब बहुत से संदेश दिए जाते हैं, तुम पापी हो, तुम नर्क में जाओगे. See, God, He paid, He became a sacrifice. If you read John 1 John 2:2. यदि आप 1 यूहन्ना 2:2 पढ़ें. Read if you want from the Bible. यदि आप पढ़ना चाहते तो खुद पढ़िए बाइबल से. Read 1 John 2:2. 1 यूहन्ना 2:2 में आप पढ़िए, आप खुद देखेंगे. You know, if we see it with our own eyes, you'll believe. यदि हम अपनी खुद की आंखों से देखेंगे, तो हम विश्वास करेंगे. You know, 1 John 2:2. No. अब 1 यूहन्ना 2:2. Read in Hindi in the meantime. वो हमारे पापों के लिए प्रायश्चित बना और केवल हमारे पापों के लिए नहीं पर सारे जगत के पापों के लिए. खुद ध्यान दीजिए. Is the sacrifice कि वो बलिदान चढ़ा, the sin offering वो पाप के लिए बलिदान चढ़ा, the penalty for sin पाप का जुर्माना वो खुद चढ़ा, because God is just क्योंकि परमेश्वर धर्मी है. Amen. Amen. The sin punishment must be borne to set the sinner free. जरूरी के पाप का प्रायश्चित भुगतान भरा जाए ताकि पापी को मुक्ति मिले, आजादी मिले. Amen. धरती पे भी हम लोगों ने गलती किया तो जेल है ना, फांसी है, बड़ा गलती रहेगा तो. There is punishment. तो दंड मिलता है, जुर्माना तो भरना पड़ता है. तो हमारे पापों को लेकर क्या? तो क्या पापों की कोई सजा नहीं है? परमेश्वर एक न्याय ईश्वर है. What did God do? तो परमेश्वर ने क्या किया? He sent Jesus. उसने यीशु को भेजा. To become the sacrifice. ताकि हमारे लिए बलिदान बने. Because the wages of sin is death. क्योंकि पाप का वेतन मरण है. So Jesus
became a sacrifice of death. इसलिए मृत्यु का बलिदान स्वयं यीशु चढ़ा. To pay the penalty of our sin. ताकि हमारे पाप का भुगतान करे. Look what it says. देखिए यहाँ क्या लिखा है. He is the sacrifice. वो प्राशित है. For our sin. हमारे पापों का प्राशित है. And then he makes it clear. और उसके बाद वो साफ साफ कहता है. Not only ours. सिर्फ हमारे पापों के लिए नहीं. But also of the whole world. पर सारे जगत के पापों का प्राशित वो खुद बना. Hello. Amen. Is he the God of Christians? तो क्या वो केवल मसीहों का ईश्वर है? Does he love only Christians? क्या वो केवल मसीहों को ही चाहता है? Does he tell the Christians उनको मारो, बर्बाद कर दो, खत्म कर दो? Never. क्या वो मसीहों को खून खराबा करने के लिए कहता है? Never. कभी नहीं. And I don't think Christians do that. और मुझे लगता नहीं कि मसीह ऐसा करते होंगे. Amen. Amen. Because we know who is the killer. क्योंकि हम जानते हैं कि घातक कौन है. Satan is the killer. शैतान मारने वाला है. The stealer, the destroyer. वो चोरी करने वाला, खून करने वाला है. To do all these things. You require the quality of hate. आप जानते हैं खून खराबा करने के लिए आपके अंदर नफरत का स्वभाव होना जरूरी है. You cannot do it if you don't have this quality. यदि मन में नफरत ना होगी तो आप खून खराबा नहीं कर सकते. See, the devil looks for this quality. देखिए शैतान इसी गुण के तलाश में रहता है. If someone murders, यदि कोई खून करता है, he doesn't murder. तो वो खून नहीं करता. First, the devil influences with hate. पहले शैतान उसके मन में नफरत भरता है. And through that hate quality, और उस नफरत के स्वभाव से, the devil does violence. शैतान हिंसा और मारपीटी और खून खराबा उसके द्वारा करता है. And he is fulfilling the devil's purpose. और वो शैतान के मकसद को दरअसल पूरा कर रहा है. The devil is a spirit being. देखिए शैतान एक आत्मिक प्राणी है. He cannot do it directly. वो सीधे किसी को मार नहीं सकता. He needs a vessel. उसे एक पात्र चाहिए. The human vessel. एक इंसानी पात्र. And those who have the quality of hate. और जिस किसी के अंदर नफरत का गुण है, he is very close to the influence of the devil. तो ऐसा इंसान शैतान के प्रभाव के बहुत ही करीब होता है. That's why I always tell you. इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ. Don't keep the negative emotions. कि नकारती भावनाओं को मन में जगह मत दीजिए. Negative qualities. ये नकारती गुणों को मन में जगह मत दीजिए. You become an easy target for the devil's purpose. तब शैतान के मकसद को पूरा करने के लिए आप आसान निशाना बन जाते हैं. Amen. Amen. He looks for a ground. वो जगह ढूंढता है. He cannot live on the ground of love. वो प्रीति की जगह नहीं रह सकता. On the ground of light. प्रकाश के स्थान में नहीं रह सकता. So you must know all this. तो ये बात आपको पता होनी चाहिए. See, if you don't keep all this in your life. देखिए इन बातों को यदि आप अपने मन में जगह ना दे. The Bible says, don't give him place. वचन में लिखा शैतान को बिल्कुल जगह ना दो. How you give him place? आप कैसे शैतान को जगह देते हैं? You must know what is of God, what is of the devil. तो आपको पता होना चाहिए कौन सी बातें प्रभु से है, कौन सी बातें शैतान से है. So the people of the world don't know all this. और दुनिया के लोगों को ये बात पता नहीं है. They think they are working for God. उन्हें लगता है हम प्रभु के लिए काम कर रहे हैं. चलो उसको खत्म कर दो, उसको मार दो. प्रभु ऐसा कभी नहीं बोलेगा. He's not the killer. वो कोई घातक नहीं है, खूनी नहीं है. Destroyer. वो नाश करने वाला नहीं है. Amen. Amen. See, when God comes into your life. देखिए जब परमेश्वर आपके जीवन में आ जाते हैं. The Bible says, you have God's love in your life. तो वचन में लिखा है कि परमेश्वर की प्रीति आपके मन में भर जाती है. And that's the most powerful quality of God. और ये परमेश्वर का सबसे ज्यादा सामर्थ्यशाली गुण है. Amen. Amen. See, the love quality of God in you is the most powerful. देखिए परमेश्वर की प्रीति वाला गुण आपके अंदर बहुत ही सामर्थ्यशाली गुण है. Because the devil doesn't have even an atom of love. क्योंकि शैतान के अंदर एक प्रीति का अंश तक नहीं. There's no love in his kingdom. उसके राज में बिल्कुल प्रीति नहीं है. Satan even doesn't love his own demons. यहाँ तक कि शैतान अपनी दुरात्माओं से भी प्रीति नहीं करता. I told you who is Satan. मैंने आपको बताया कि शैतान कौन है. He's an angelic being. वो एक स्वर्गीय प्राणी है. He's not a human being. वो कोई इंसान नहीं है. People are so confused. लोग इतने गड़बड़ाए हैं. Don't think when you die, the wicked man dies, he becomes a demon. कभी ना सोचिए कि जब कोई बुरा इंसान मर जाता है तो वो भूत या शैतान बन जाता है. नहीं. वो आत्मा भटकेगा, वो ऐसा करेगा, ऐसा सब कुछ नहीं होगा. That is all theory. That is not from the Bible. ये सब झूठ है. ये शैतान से, ये वचन से नहीं है. See, people mix it up. देखे लोग मिला के रख देते हैं. That's why that other doctrines have come. Human beings can later on become a dog and this. No. और ये कारण है दूसरी शिक्षाएं भी आ चुकी है कि इंसान पुनर्जन्म लेता है, फिर कुत्ते के रूप में, बिल्ली के रूप में आता है. नहीं आता. Everyone is created different. और हर एक प्राणी की जाति अलग अलग है. Amen. Amen. The highest consciousness has. Amen. The man has. और सबसे जीवन की उत्तम श्रेष्ठता इंसान को दी गई है. The highest consciousness of life God gave to man. और जीवन की उत्तम श्रेष्ठता का विवेक इंसान को दिया गया है. They don't move from one person to animal. No. ऐसा नहीं कि एक योनि को छोड़ के वो दूसरी योनि में उतर आते हैं, फिर कुत्ते बन जाते हैं, जानवर. According to its kind. वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने प्रत्येक प्राणी को अपनी जाति अनुसार बनाया. All this is to put fear in your life. देखिए सारी बातें आपके मन में डर पैदा करने के लिए रखी गई है. Someone who dies. कि कोई जब मर जाता है. Please that person, otherwise he'll come like a boot and he'll harass me.
कि उस आत्मा को प्रसन्न करना होगा नहीं तो वो दोबारा आएगी और मुझे परेशान करके सताएगी no, no, नहीं no. कोई भूत नहीं आता no. Once a person dies, एक बार एक व्यक्ति मर जाता है no, I have written a very big book on death. मैंने मृत्यु पे एक बहुत मोटी किताब लिखी है Exactly what happens. और मरने के बाद हूबहू क्या होता है the second a person dies, और जिस पल एक इंसान मरता what है happens? क्या होता है उस पल But I never brought that book. पर वो कभी मैंने छापी नहीं I'm running out of time. I'm क्योंकि not मेरे पास बहुत कम समय है समय कम पड़ जाता But है if you read that book, पर यदि आप वो किताब पढ़ेंगे you'll come to know exactly तो आप बिल्कुल जान पाएंगे सच कि मरने के बाद क्या होता How है a soul moves कि out कैसे the body. एक प्राण इस शरीर को छोड़ता है Escorting angels come. कि कैसे उसके रक्षा करने वाले दूत तैनात होते हैं? कैसे उन्हें पता लगता है ये इंसान मरने वाला है? It's a very big message. ये बहुत बड़ा संदेश है. If someone can help me, I can bring that book. यदि कोई मेरी मदद करे तो मैं चाहूँगा कि उस किताब को छाप के निकालूँ. Because it's good to know the truth, because the devil is a great deceiver. क्योंकि अच्छी बात होगी यदि आप सत्य को जाने, क्योंकि शैतान बहुत बड़ा झूठा है. Amen. Amen. Once a person moves out of this life, एक व्यक्ति जब इस धरती को छोड़ता है, इस जीवन को छोड़ता है, body, अपने शरीर के बाहर निकल आता है, he won't come back again on this planet, physical planet Earth. तो ये जो शारीरिक पृथ्वी ग्रह है इस भूमि पर, वो कभी दोबारा वापस नहीं आता, उसकी वापसी नहीं हो सकती. Amen. Amen. That's the finality. और ये अंत है. But is not eliminated, he is there. पर ऐसा नहीं कि उसका विकासवाद हुआ है, वो समाप्त हो चुका है, नहीं, उसका अस्तित्व बना रहता है। To heaven or hell. या तो वो स्वर्ग जाता है या That's फिर all. नरक जाता है, बस इतना ही। There is no third place. तीसरा कोई स्थान है ही नहीं। That's what the Bible teaches. यही बाइबल सिखाती है। That's why we must, this is very important, we must know the truth. इसलिए सत्य की जानकारी हमें होना बहुत जरूरी है। Because, you know, I feel very sad when some terrorists, they kill others and by killing themselves, And then they think they'll go to heaven. मुझे बहुत दुख होता है जब मैं देखता हूँ कि कोई आतंकवादी दूसरे लोगों को मार देता है और मारने के द्वारा उसे वो खुद भी मर जाता है उसे लगता है कि अब मैं स्वर्ग जाऊंगा If a killer and a murderer, you know, I wrote many messages on that. और इसमें मैं बहुत संदेश लिख चुका हूँ. If a killer and murderer can go to heaven, यदि हत्यारा और खूनी स्वर्ग जाने लगे, oh, फिर कौन जाता है heaven को? फिर किसको? इधर धरती में अच्छा है. फिर किसको स्वर्ग जाने की ख्वाहिश होगी? हम कहेंगे धरती अच्छी है. Isn't it? ठीक है ना? You'll find all murderers and खून करने वाले बर्बाद करने वाले सब स्वर्ग में मिलेगा आपको तो हम लोग रुकेंगे भी नहीं स्वर्ग जाने के लिए उधर और कतरा है See, these are all wrong things. The devil is deceiving people. देखिए शैतान लोगों को फंसा रहा है धोखे में रख रहा है See, you cannot take the right of another person. दूसरे व्यक्ति का हक आप मार नहीं सकते. You know, Holy Spirit taught me about all this. इसके बारे में पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया. That life is given by God. कि जीवन परमेश्वर द्वारा दिया जाता है. You have no right to eliminate that life. और उस जीवन का अंत करने का हक आपको नहीं है. We didn't create life. हमने जीवन का निर्माण नहीं किया. God created life. परमेश्वर ने जीवन का निर्माण किया है. Amen. Amen. Okay. Here it says, तो यहाँ लिखा है, He is the sacrifice for the whole world's sin. कि सारे जगत के पाप के लिए वो बलिदान चढ़ा. That means God so loved the world. इसका मतलब है परमेश्वर ने जगत से इतनी प्रीति की. Amen. Amen. You know many religions say that God loves only this people or that community, good people. No. अब बहुत सारे धर्मों में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर केवल एक समाज के लोग, एक जाति के लोग, एक श्रेणी या एक दल के लोगों से प्रीति करता है. नहीं. And some people even think that God loves only Christians. और कुछ लोगों को तो लगता है कि हाँ परमेश्वर सिर्फ मसीहों से प्रीति करता है. नहीं. He loves all the people of the world. सारे जगत के लोगों से परमेश्वर प्रीति करता है. And because of His grace. और उसकी कृपा के कारण. His approach to every person is the same. और उसकी हर एक व्यक्ति तक की पहुंच समान है. Amen. Amen. You know when believers see someone is healed. जब विश्वासु देखते हैं कि किसी को आरोग्य मिला है. नहीं देखो अरे उसने कुछ तो भी अच्छा कार्य किया रहेगा उसको आरोग्य मिला. ऐसा नहीं है. You're wrong. तब तो आपकी सोच गलत है. God is no respecter of persons. परमेश्वर इंसानों में भेदभाव नहीं करता. Amen. Amen. Because they put all this on sovereignty of God. He will decide. वो उसके हाथ में किसको अच्छा करने का करेगा, किसको अच्छा नहीं करने का नहीं करेगा. अब क्या कर सकते? That is not the teaching at all from the Bible. और ऐसी शिक्षा बिल्कुल बाइबल से नहीं है. If you believe that teaching, यदि वह ऐसी शिक्षा पे विश्वास करते हैं, devil will enter. तब तो शैतान प्रवेश करेगा. And get his work done. और शैतान अपना काम पूरा करके Because दिखाएगा you believe in something wrong. क्योंकि आपने कुछ गलत और झूठ पे विश्वास His किया way to your life is through deception and lies. झूठ और भ्रम के द्वारा वो आपके जीवन में पैर रख पाता है मार खोल पाता है you keep your life protected by truth. आप सत्य के द्वारा अपने जीवन को सुरक्षित रखिए Amen. Amen. When you know the truth, जब आप सत्य को जान लेते हैं He cannot put any bondage on you. तो वो आप पर किसी तरह का अपना फंदा नहीं डाल पाता He cannot change your life. वो आपके जीवन को जंजीर से नहीं बांध सकता Amen. Amen. You know, there was a lady,
Someone put on the fan once. It's becoming hot. You know, there was a lady for 6 years, she was demonized. अब एक ऐसी स्त्री थी कि 6 सालों से उसमें दुरात्मा थी. पिंपरी चर्च. पिंपरी कलीसिया में. She came from another church. वो दूसरी कलीसिया से आई थी. I know, she was not delivered. पर पता नहीं उसे छुटकारा नहीं मिला था. We put on the Facebook page also. और हमने Facebook के पेज पे साक्षी डाली. After hearing the message. और संदेश को सुनने के बाद. And after I prayed for her. और मेरी उसके लिए प्रार्थना करने के बाद. She was making much noise. वो बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी. She was delivered. उसे छुटकारा मिला. A husband was so happy. उसका पति बहुत खुश हो गया. He had many questions. और बहुत सारे सवाल उसके मन में थे. Answer. पर मैं तब उसका जवाब नहीं देना चाहता था. Why others couldn't do this, that. वो पूछना चाहता था कि दूसरे ऐसा क्यों नहीं कर पाए. Anyway, she was delivered. और उसे आरोग्य मिला, छुटकारा मिला. First time I heard the grace message. और उसने कहा कि ये पहली बार है कि जब मैं कृपा के संदेश को सुन रही हूँ. And she was so happy. और वो बहुत ज़्यादा खुश थी. And the next time she came up. और अगली बार जब वो आ गया. She came out fresh. वो बहुत ही ताज़ा दिख रही थी. Very nice. साड़ी अच्छे से उसने साड़ी पहनी थी. Clean, वो बहुत ही साफ सुथरी नजर आ रही थी. होश में थी. Marathi, और वो मराठी भाषा बोलती थी. She got a nice job, और उसने कहा मुझे अब तो अच्छी नौकरी भी मिल गई है. Very happy, और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ. See what grace can do. तो देखिए कृपा आपके जीवन में क्या कुछ कर सकती है. Amen. So that's why you must know the grace. तो बहुत जरूरी है कि आप कृपा के संदेश को जानें. See, Titus 2:11 says. देखिए तीतुस 2:11 में कहा. The grace of God has appeared to all men. कि परमेश्वर की कृपा अब सारे जगत के लोगों पे प्रकट हुई है. God's grace is for everyone. तो देखिए परमेश्वर की कृपा हर इंसान के लिए. But how many are saved? फिर भी कितनों का उद्धार हुआ है? How many are blessed? कितने आशीर्वादित हुए हैं? Why? क्यों? Because either they don't know, पहले तो या तो उन्हें पता ही नहीं है, or they don't know it right, या सही रीति से उन्हें नहीं पता है, they don't believe, या फिर वो विश्वास नहीं करते, because when you don't know, you don't have faith and you cannot believe. क्योंकि जब आपको पता ही नहीं तो आप विश्वास नहीं कर सकते, और विश्वास नहीं करते तो आपको मिलेगा भी नहीं. Okay, let me show you the blessing. आइए कि मैं आपको आशीर्वाद दिखाऊं. In Romans 15:29, और रोमियो 15:29, Apostle Paul says, प्रेरित पौलुस कहते हैं, but I know that when I come to you, I shall come in the fullness of the blessing. Of the gospel. वो कहता है कि जब मैं आऊँगा, मैं जानता हूँ मैं तुम्हारे पास आऊँगा, तब शुभवर्तमान की कृपा की भरपूरता को लेकर आऊँगा. Look at this. देखिए वो क्या कहता है. The gospel is a blessing. कि शुभवर्तमान महान आशीर्वाद है. Amen. Amen. What is the gospel? शुभवर्तमान क्या है? Gospel is the good news. शुभवर्तमान अच्छी खबर है. Amen. Amen. See, God has good news. देखिए परमेश्वर के पास अच्छी खबर है. When you hear His news. जब आप उसकी खबर को सुनते हैं. You must become happy. तो आपको खुश होना है. Because God will never tell lies. क्योंकि परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलेगा. And so God wants you to live in the fullness of His blessing. इसलिए परमेश्वर चाहता है कि उसके आशीर्वाद की भरपूरी में आप जिए. His blessing means He empowers you to be blessed. उसके आशीर्वाद का मतलब है वो आपको शक्ति देता है कि आप आशीर्वाद को भोग सके. अभी blessing बोला पैसा किधर से आएगा ऊपर से सोना चांदी ऊपर ऐसा नहीं है. He gives the power. वो आपको शक्ति देता है. Amen. Amen. To be blessed. ताकि आप आशीर्वादित हो सकें. That is the empowerment of God, the anointing of God. ये परमेश्वर का अभिषेक है, उसकी शक्ति, उसकी ताकत है. That is God's favor. ये परमेश्वर की कृपा है. Amen. Amen. You're drawn in favor. आप कृपा दृष्टि में आ जाते हैं. See, once you start believing this. देखिए एक बार आप इस बात पे विश्वास करने लगते हैं. Many good things, the blessings will gravitate towards you. तो बहुत से अच्छे आशीर्वाद आपकी ओर आकर्षित होते हैं. It is never God stopping it. ये परमेश्वर कभी नहीं जो उन्हें आने से रोकता है. ये हमारा अपना विश्वास है. Either it stops it or it permits to flow. या तो हमारा विश्वास उन आशीर्वादों को खोलता है या बंद करता है. The fullness of the blessing is in the gospel of Christ. अब आशीर्वादों की भरपूरता मसीह के शुभवर्तमान में है. Gospel is of Christ. और जो ये शुभवर्तमान ही अच्छी खबर मसीह की है. Message is about Him. ये संदेश उसके बारे में है. Not about us. हमारे बारे में नहीं. But most of the messages are about you. पर अधिक तो जो संदेश दिए जाते हैं वो आपको लेकर दिए जाते हैं. आप क्या करना चाहिए? आप ऐसा करने चाहिए, वैसा करना चाहिए, गाली मत दो, ये मत करो, वो मत. See, that is not the message at all. देखिए बिल्कुल सही संदेश नहीं है. Many messages are towards people. अब बहुत से संदेश लोगों की तरफ ध्यान देते हैं. Religion is towards people. देखिए धर्म लोगों की ओर आंखें लगाता है. What you should do. कि लोगों ने क्या How करना चाहिए. Behave. कि कैसे व्यवहार करना चाहिए, बर्ताव कैसा होना चाहिए. What you should do. कि आपको कौन से काम करने चाहिए. To move God to bless you. ताकि परमेश्वर को रिझा सके कि वो आपको आशीर्वादित करे. That is religion. ये धर्म हुआ. This is grace. ये कृपा है. You must know about grace. और कृपा को लेकर आपको जानकारी होनी चाहिए. About what God did for us. कि परमेश्वर ने क्या कुछ हमारे लिए कर दिया है. And that brings blessing. और यही बात आशीर्वाद लेकर आती है. Amen. Amen. See, when you hear a message. देखिए जब आप एक संदेश को सुनते हैं. Is it about you? क्या वो संदेश आपको लेकर है? God? या परमेश्वर को लेकर है? बहुत लोगों का मैसेज प्रभु से नहीं आ रहा है, मनुष्य से आ रहा है.
तुम ऐसा किया तो आशीर्वाद मिलेगा. पास्टर सेवन स्टेप्स बताओ आशीर्वाद कैसा मिलेगा. सी दिस डोंट हेल्प. देखिए सात मुद्दे आपकी मदद नहीं कर पाएंगे. बिकॉज़ समवन पुट्स अ नाइस रिलीजियस लुक डजंट मीन ही इज रिलीजियस. आप कोई भक्ति का दिखावा करता है इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत धर्मी है. मेनी पीपल आर इमोशनल. बहुत से लोग भावुक होते हैं. इट डोंट हेल्प. इससे उनकी मदद नहीं हो पाएगी. यू विल फील बेटर. आपको थोड़ा अच्छा लगेगा. ठीक है प्रभु बहुत दयालु. हाँ अच्छा लगेगा पर उसमें कुछ आशीर्वाद नहीं मिलेगा. So the message is about Jesus Christ. ऐसे जो संदेश है वो यीशु मसीह को लेके संदेश है. The cross message is the most important message. और क्रूस की कथा सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण कथा है. Because the problem that we see. क्योंकि जो समस्या हम देख रहे हैं. Came because of sin. ये सारी समस्या पाप को लेकर आई. If there was no sin. यदि पाप ना होता. There would have been no problem. तो कोई समस्या भी ना होती. Amen. Amen. See when God made man. देखिए जब परमेश्वर इंसान को बनाया. No sin, no problem. तो वहाँ पाप नहीं था तो तकलीफ भी नहीं थी. Was the devil there? क्या शैतान मौजूद था? Yes. हाँ शैतान था. How many demons? कितनी दुरात्माएं थी? Innumerable. असंख्य दुरात्माएं थी. How many people? कितने लोग थे? Two. सिर्फ धरती पे दो लोग थे. दो को भी हाथ नहीं लगा सका हो. आज इतना करोड़ों लोग रह के भी उतना बर्बादी कर रहे हो. That means that much power he had. इसका मतलब है कि इतनी शक्ति तब भी उसके पास थी और अब भी है. इतना पावर था मैं दो व्यक्ति को भी हाथ नहीं लगा सकता था. Look at the power of God. देखिए परमेश्वर की शक्ति को. When your relationship with God. जहाँ प्रभु से आपका नाता जुड़ जाता है. When you're connected to God. जब आप प्रभु से जुड़ जाते हैं. When you have the life of God. जब आपके अंदर परमेश्वर का जीवन होता है. Amen. Amen. Many Christians forget. पर बहुत से मसीह लोग भूल जाते हैं. When you believe in Jesus. जब आप यीशु पर विश्वास करते हैं. You have the life of God. तो परमेश्वर का जीवन आपके अंदर होता है. Amen. Amen. You have the life. आपके अंदर वो जीवन है. You have the empowerment. आपके अंदर वो शक्ति है. But since you don't know. पर क्योंकि आपको पता ही नहीं. So it's not helping you. इसलिए इससे आपको फायदा नहीं मिल रहा. Because knowledge gives you faith. क्योंकि ज्ञान आपको विश्वास देता है. And by faith you respond. और विश्वास के द्वारा आप प्रतिसाद करते हैं. Okay. Romans 1:16 says. रोमियो 1:16 में लिखा है. I am not ashamed of the gospel of Christ. कि क्रूस की कथा सुनाने से मैं नहीं लज्जाता. Why? क्यों नहीं लज्जाता? Because it is the power of God. क्योंकि इसमें परमेश्वर का सामर्थ्य समाया है. Unto salvation. उद्धार दिलाने के लिए. Everyone. हर किसी के लिए. That believes. जो विश्वास करता है. Everyone. चाहे कोई विश्वास करे. Amen. Amen. कोई भी मनुष्य हो औरत हो कोई भी हो स्त्री हो पुरुष हो बच्चा हो कोई क्यों ना हो जो इस कथा पे विश्वास करता है उद्धार दिलाने की शक्ति इस कथा में है. Your believing releases God's power. और आपका विश्वास परमेश्वर की शक्ति को खोलता है. See, we cannot force anyone. देखिए हम किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते. लोग कहते हैं कि वो जबरदस्ती करते हैं हम कर ही नहीं सकते. If they don't believe from their heart, यदि वो मन से विश्वास ना करे, God's power will not be released. तब तो परमेश्वर की शक्ति खुलेगी ही नहीं. Amen. Amen. मेरा ऐसा चक्कू लेके चल प्रभु के पास जा. प्रभु का पावर नहीं रिलीज होगा सिर्फ ऊपर ऊपर से लगेगा ये प्रभु का बच्चा है. प्रभु का बच्चा नहीं है. सिर्फ कपड़ा ऐसा सफेद पहनने से प्रभु से बच्चा नहीं होता है. There's a change of your heart. जरूरी कि आपके मन में बदलाव आए. Amen. Amen. You become a new creation. आप एक नई सृष्टि बन जाते हैं. See, outside may look the same. देखिए बाहर से आप पहले जैसे दिखेंगे. But your inner man. पर आपका भीतरी मनुष्य. Is created new. वो बिल्कुल नया हो जाता है. Amen. Amen. Outside remains the same. बाहरी रूप रंग पहले जैसा ही रखता है. But when you live by that life, पर जब भीतरी जीवन से आप जीने लगते हैं, outside also changes. फिर उसके बाद बाहर भी बदलाव आने लगता है. Amen. Amen. Because that life is the glory life. क्योंकि जो भीतर का जीवन है वो महिमा रूपी जीवन है. Amen. Amen. See, religion cannot make you a child of God. देखिए धर्म आपको परमेश्वर की संतान नहीं बना सकता. It can maximum make you a servant. ज़्यादा से ज़्यादा वो धर्म आपको दास का दर्जा दे सकता है. Best servant. अच्छा दास का दर्जा दे सकता है. बहुत काम करता है, बहुत मेहनत करता है ऐसा. इसके लिए उसको आशीर्वाद दिया. But because God gives His life in you, you become a child of God. पर क्योंकि परमेश्वर अपना जीवन आपको देता है, इसलिए आप परमेश्वर की संतान बन जाते हैं. Amen. Amen. You don't have to work it out. आपको इसके लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है. Believe. आपको सिर्फ विश्वास करना है कि मैं परमेश्वर की संतान हूँ. Amen. Amen. You don't have to do anything. आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. मैं कोशिश कर रहा हूँ प्रभु का बच्चा होने के लिए. कुछ करने को जरूरत नहीं. तुम प्रभु का बच्चा है. अगर प्रभु का जीवन है तुम प्रभु का बच्चा है.
Amen. Amen. In the natural family, it happens that way. जो धरती पर हमारा परिवार है उसमें भी ऐसा ही होता है. When you are born, जब आपका जन्म होता है, चल मैं कोशिश कर रहा हूँ, डैडी एक मिनट, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ अच्छा काम करके तुम्हारा बेटा बनने का कोशिश. नहीं, तुम काम नहीं किया तो आलसी बना सोते रहेगा दिन रात, सुबह 12 बजे भी उठा तो बच्चा ही है. Isn't it? राजा प्रेज गॉड, अभी से और आलसी बनता हूँ, बनो फिर भी तुम्हारा बेटा है बनेगा. बाप मेरे को चिल्लाएगा, ऐसा क्यों सिखाया पास्टर, बेटा पहले से 10 बजे उठता है 12 बजे उठेगा. But you never change. पर आपका औदा कभी बदलता नहीं. Amen. Amen. See, the same way. इसी रीति से. You are a child of God. आप परमेश्वर की संतान हैं. Amen. Amen. When you get this doctrine right. जब ये शिक्षा आपको सही रीति से मिलती है. Your living will be right. तब आपका जीना सही हो जाता है. And you'll work more for the Lord. और ज़्यादा प्रभु के लिए काम करेंगे. पुत्र के नाते. Not as a servant. दास के नाते नहीं. Not expecting. मैं किया एक चैप्टर बाइबल पढ़ा. आशीर्वाद अच्छा दो चैप्टर ऐसा नहीं करेगा. तो बदले में आप उम्मीद नहीं रखेंगे आशीर्वाद होने की. Amen. Amen. तुम 10 चैप्टर भी पढ़ा तो अभी पढ़ने का था अभी ऐसा नहीं बोलेगा था. तुम पढ़ते रहेगा पढ़ते रहेगा. प्रभु खुश है मेरे से हमेशा. Amen. Amen. You will enjoy doing things. तो प्रभु के लिए काम करना आपको अच्छा लगेगा. Based on his love for you. उसकी प्रीति के आधार पे जो आपके लिए उसके मन में है. Okay. So how does God release his blessing? तो परमेश्वर अपने आशीर्वादों को कैसे खोलता है? Through the grace gospel. कृपा के सुवर्तमान के द्वारा जो कि परमेश्वर का सामर्थ्य है उद्धार दिलाने के लिए everyone that believes. हर किसी के लिए जो विश्वास करता है. It releases God's power. तो इसमें परमेश्वर की शक्ति खुलती है. Gospel means good news. सुवर्तमान का मतलब है अच्छी खबर. Who's good news? किसको लेकर अच्छी खबर? The news about Jesus. यीशु को लेकर अच्छी खबर. Grace is about Jesus. कृपा यीशु को लेकर है. Amen. Amen. What he did for us. कि उसने क्या कुछ हमारे लिए किया. Without him we have nothing. बगैर उसके हम कुछ भी नहीं है. But when you know him. पर जब आप उसे जान लेते हैं. Your standing is right. तब आपका ठहरना सही हो जाता है. Your position is right. आपका पद सही हो जाता है. You are righteous. आप धर्मी ठहरते हैं. Amen. Amen. You not try to be righteous. आप धर्मी बनने की कोशिश नहीं कर रहे. The more you try by own strength, you'll never be righteous. जितना ज्यादा आप अपने बलबूते धर्मी बनने की कोशिश करेंगे उतना ही आप कभी धर्मी नहीं बन पाएंगे. Christ becomes your righteousness. मसीह आपकी धार्मिकता बन जाता है. When he's in you. जब वो आपके अंदर आ जाता है तब आप धर्मी बन जाते हैं. The Bible says, when you know this, वचन में लिखा जब आप ये जान लेते हैं तो आप जीवन में राज करेंगे. Amen. Amen. See, my dear friends, मेरे प्यारे मित्रों, the most important part of whatever we are teaching is, अब जो कुछ हम सिखा रहे हैं उसका सबसे महत्वपूर्ण भाग ये है, that you must have the life of God. कि जरूरी कि आपके अंदर परमेश्वर का जीवन हो. That's all. बस इतना ही. You know, other things are just for to gain this world. अब बाकी चीजें दुनिया के आशीर्वाद पाने के लिए है. सिर्फ गेनिंग ऑफ द वर्ल्ड तुम्हारा एम है. सो व्हाट इज इट प्रॉफिट मैन इफ यू गेन द होल वर्ल्ड एंड लूज योर सोल. द बाइबल आप वचन में लिखा है क्या लाभ उस मनुष्य को जो सारे जगत को जीते पर अपने प्राण को खो दे. आमेन. आमेन. आवर मोटिव इज नॉट दैट. हमारा मकसद वो नहीं है. आवर मोटिव इज to have the life of Christ. हमारा मकसद यही है कि मसीह का जीवन हमारे अंदर हो और वो स्वर्ग का जीवन है. सो वेदर वी लिव और डाई. फिर चाहे हम जिए या मरें. Even death becomes a gain. यहाँ तक कि मृत्यु भी हमारे लिए लाभ साबित होगी. We don't have fear of death. मरने को लेकर हमारे मन में डर नहीं है. When we die, we go to heaven. जब हम मरेंगे तो हम स्वर्ग जाएंगे. That's the best place. और वो उत्तम स्थान है. That's the homeland of our Father. वो हमारे पिता का स्वदेश है. As long as we live on this earth. जब तक कि हम धरती पे जी रहे हैं. We're going to live Christ's life. हम मसीह का जीवन जिएंगे. And when we leave this earth. ताकि जब हम धरती को छोड़ें. We're going to live with Christ forever. तब हम मसीह के साथ सदा के लिए रहेंगे. Amen. Amen. So your present and your future is blessed. तो आपका वर्तमान और भविष्य दोनों आशीर्वादित है. Don't bargain. Things of this world for the spiritual life. आत्मिक बातों के लिए दुनिया की चीजों को लेके सौदा मत कीजिए. यूज करो वापस से रख दो उधर. क्योंकि इसको लेके तो नहीं जाने वाले हम लोग. जितना यूज करने का रख देने का वापस. God loves you. परमेश्वर आपको बेहद चाहता है. Keep on believing. विश्वास बनाए रखिए. Let's all stand up. आइए सब ठहरेंगे. Praise the Lord. Hallelujah. Pray. आइए प्रार्थना करें. God is good. परमेश्वर भला है. You don't have to fear. आपको डरने की जरूरत नहीं. God never wants us to fear. प्रभु कभी नहीं चाहता कि हम डरें. A fear relationship is not a right relationship. डर से जुड़ा नाता सही नाता नहीं होता. And fear comes because we don't have the right information of who God is. और परमेश्वर कौन है इसकी सही जानकारी हमें नहीं इसलिए हमारे मन में डर आता है. Fear is the reverse of faith. विश्वास के विपरीत है डर.
When you know that God is love, जब आप जान लेते कि परमेश्वर प्रीति है, and how much He loves you, और वो आपको कितना बढ़कर चाहता है, that love will remove fear from your life. तो यही प्रीति आपके मन से हर एक डर को दूर कर देगी. Yeah. Put up this fan, someone. Yeah. Put this fan off. Thank you, Father. धन्यवाद पिता. Yeah. Put this fan on. Let us pray. Father, we thank you. You're a good God. पिता धन्यवाद आप भला ईश्वर हैं. You're a great God. महान ईश्वर हैं. You're almighty God. सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं. You're a creator. निर्माणकर्ता हैं हमारे. You're a provider. हमारे प्रबंधक हैं. We believe you're a sustainer. विश्वास है आप हमारे पालनहार हैं. Thank you, Father. धन्यवाद पिता. Your qualities are eternally good. और आपके जो गुण हैं वो सनातन के लिए अच्छे हैं. It won't change. वो कभी बदलेंगे नहीं. You're unchangeable. आप कभी ना बदलने वाले ईश्वर हैं. You present yourself as grace. आप कृपा के तौर पे अपने आप को पेश करते हैं. Not as a God of judgment. न्याय के ईश्वर के तौर पे नहीं. But as a God of grace. पर कृपा के परमेश्वर के तौर पे. Only when we reject you. केवल जब हम आपको ठुकराते हैं. We come under God's judgment. तभी हम परमेश्वर के न्याय के नीचे आते हैं. But all those who receive. पर जो कोई आपको अपनाता है. Jesus. यीशु को अपनाता है. The way to God's heart. परमेश्वर के हृदय के पास जाने वाला मार्ग. Under God's favor. वो परमेश्वर की कृपा के नीचे हैं। वो कृपा के नीचे हैं। Thank you, Holy Spirit. धन्यवाद पवित्र आत्मा। For teaching us all these truths. ये सारे सत्य हमें सिखाने के लिए। These are spiritual, eternal truths. ये सनातन के सत्य हैं। By which we must live. जिसके द्वारा हमें जीना है। Not the natural life. सांसारिक जीवन नहीं। Thank you, Father. धन्यवाद पिता। I thank you for each and everyone who has come here. पिता जो आया हर एक के लिए धन्यवाद देता हूँ। To receive Thy word. ताकि आपके वचन का स्वीकार करें। Thy word is a blessing. आपका वचन महान आशीर्वाद है। So that their mind is renewed. ताकि उनका मन नया हो। And they start the living the God life. और वो परमेश्वर वाला जीवन जीने लगे। The word life. वचन वाला जीवन। The divine faith life. जो दिव्य विश्वास वाला जीवन है। And the devil cannot disturb us. और शैतान हमें बेचैन नहीं कर सकता। We resist the devil in Jesus' name. हम शैतान का सामना करते He is the lone enemy. वो एकमात्र हमारा शत्रु है। Of God and mankind. परमेश्वर मानव जाति का। Thank you, Father. धन्यवाद पिता। For Jesus defeated him. क्योंकि यीशु ने उसे हरा दिया। On the cross. क्रूस पर। Thank you, Lord. धन्यवाद। In Jesus' name, we pray. यीशु के नाम में प्रार्थना। Amen. Amen. Kindly be seated. आप लोग बैठ सकते हैं। God is good all the time. परमेश्वर हमेशा से ही भला है। Amen. Amen. Let us learn. Who God is? आइए कि हम सीखें परमेश्वर कौन है? Because God is misrepresented. क्योंकि परमेश्वर की गलत छवि पेश की जाती है. Many have lied about who God is. और परमेश्वर को लेकर बहुत से लोगों ने झूठ फैला रखा And है. That's why the devil is taking advantage. और यही कारण है शैतान इस बात का फायदा उठा Because पाता God है. Because God alone is our strength. क्योंकि परमेश्वर एकमात्र हमारी ताकत है. If you don't know who God is, यदि आप जानते नहीं परमेश्वर we कौन cannot है, be strengthened in life. तो अपने जीवन में हम बल नहीं पा सकते. And through deception. और भ्रम के द्वारा, झूठ के द्वारा, the devil can harm us. शैतान हमें नुकसान पहुंचा सकता है. Amen. The devil has no power. शैतान के पास कोई शक्ति नहीं है. He has power. उसके पास शक्ति है. Oh, those who don't believe in Jesus. उन लोगों के ऊपर उसका बस चलता है जो यीशु पे विश्वास नहीं करते. Because believing in Jesus is a great blessing. क्योंकि यीशु पे विश्वास करना महान आशीर्वाद है. What does believing in Jesus mean? अब यीशु पे विश्वास करने का मतलब क्या है? It means all that Jesus did for us. इसका मतलब है जो कुछ यीशु ने हमारे लिए किया. For mankind. मानव जाति के लिए किया. Becomes ours. वो हमारा हो जाता है. By faith. विश्वास से. And you can enjoy those blessings. और आप उन आशीर्वादों का आनंद उठा सकते हैं. Amen. Why did Jesus come? प्रभु यीशु क्यों आए? He didn't come for himself. वो खुद के लिए नहीं आए. He came for us. वो हमारे He came with a mission. वो एक मकसद के साथ आए. To bless our lives. ताकि हमारे जीवन को आशीर्वादित करे. He came for us. वो हमारे लिए आए. Amen. Amen. He came for our benefit. वो हमारे फायदे के लिए आए. He came for our profit. वो हमारे मुनाफे के लिए आए. He came that we may live a blessed life. वो इसलिए आए ताकि हम एक आशीर्वादित जीवन जी सकें. You know when. People see all these problems in the world. आप जानते हैं जब दुनिया में लोग तकलीफों को देखते हैं, they blame God. तो वो परमेश्वर पे दोष लगाते हैं. It's not God. ये परमेश्वर नहीं है. It is because of sin. ये पाप के कारण. We lose the devil. हम शैतान के हवाले हो जाते हैं. On this earth. इस धरती पर. And he's become the master. और वो स्वामी बन चुका है. He's the master of sin. वो पाप का स्वामी है. And those who serve sin. और जो पाप की सेवा करता है, वो उनका स्वामी बन जाता है. Amen. Amen. It is not God. ये परमेश्वर नहीं है Who loosed him on this earth? जो इस शैतान को धरती पर खोल Who is the devil? शैतान कौन है is an angelic being. वो एक स्वर्गीय प्राणी है you know, the people of the world don't know anything about this devil. और शैतान को लेकर दुनिया के लोगों को बिल्कुल जानकारी नहीं है In fact, they think these people are preaching all wrong. और उन्हें तो लगता है कि जो हम प्रचार करते हैं वो बिल्कुल गलत है There's no devil. कि शैतान तो है ही नहीं Some people think that
when man dies, a wicked man dies, he becomes the devil. और कुछ लोगों को तो लगता है जब कोई बुरा इंसान मर जाता है तो वो शैतान बन जाता है. So they try to appease the person who is dead. इसलिए जो मर चुका है ऐसे इंसान को प्रसन्न रखने की कोशिश करते हैं. Rather, he come again and punish them. ऐसा ना हो कि वो वापस दोबारा आए और हमें सजा दे या हमें श्राप दे. Hello. Yeah, many are trying to appease. तो बहुत से लोग प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं. Because they show in the movies. क्योंकि ऐसे पिक्चरों में दिखाया जाता है. मेरे को मार दिया, मैं आत्मा बन के आएगा और सताएगा. So that, see, you know, the devil is corrupted everything. देखिए शैतान ने सारी बातों को दूषित करके रख दिया है. He uses all these platforms. वो ये सारे मंचों का इस्तेमाल करता है. To teach lies. ताकि झूठ फैलाए. Remember this. ये बात याद रखिए. Don't take everything what the world gives. जो दुनिया देती है हर एक बात का स्वीकार मत कीजिए. And we live based on those teachings. और जो झूठी शिक्षाएं दुनिया देती है उसी के आधार पे हम जीते हैं. So it becomes very easy for the devil to harm anyone. और फिर शैतान के लिए किसी को भी नुकसान पहुंचाना बहुत आसान हो जाता है. Because when once a person is in deception, क्योंकि एक व्यक्ति जब भ्रम में होता है, his influence works faster. तो शैतान का प्रभाव उस पे बहुत जल्दी असर दिखाता है. He doesn't need to deceive them. और तब उन्हें धोखे में रखना फिर उसके लिए जरूरी नहीं रहता. So through different platforms, तो अलग अलग मंचों से, maybe through movies, हो सकता है पिक्चरों से, हो सकता है कि सीरियल से, लोगों के द्वारा, on teaching something. वो लगातार झूठी शिक्षाएं फैलाता है. So that when you hear these wrong teachings, ताकि जब आप इन झूठी शिक्षाओं पे ध्यान दें, you come under demonic influence. तो आप शैतानी प्रभाव के नीचे आ जाते हैं. Deception is the weapon of the devil. और भ्रम शैतान का हथियार है. Lies is the weapon of the devil. झूठ शैतान का हथियार है. Amen. Amen. But truth from the word of God, पर परमेश्वर के वचन से आया सत्य इज योर वेपन, वही आपका हथियार है. आमेन. आमेन. ट्रुथ विल मेक यू फ्री. सत्य आपको आजादी देगा. He cannot bring you into any bondage. तब वो पुनः आपको बंधन में नहीं ला पाएगा. God's truth is powerful. परमेश्वर का सत्य सामर्थ्यशाली है. Amen. Amen. So many people don't know who the devil is. बहुत से लोग जानते ही नहीं कि शैतान कौन है. If you don't know the real enemy, यदि आप अपने असली शत्रु को नहीं जानते, then he can conquer your life. तब तो वो आपके जीवन पे जय पा सकता है. Do not be ignorant. वचन कहता अज्ञानी ना रहो. But our focus is not on him. पर हमारा ध्यान उस पे नहीं है. But we are not ignorant of him. पर उसके हथियारों से हम अनजान भी नहीं है. Some people only the only focus on the devil. अब कुछ लोगों का ध्यान सिर्फ शैतान पे लगा रहता है. That's also wrong. ये भी तो बिल्कुल गलत है. Everywhere they find the devil. तो हर जगह उन्हें शैतान ही दिखाई देता है. हर बात में वो शैतान को देखते हैं. वो लगातार शैतान को बांधते और बांधते और बांधते चले जाते हैं. Instead of focusing on Jesus, इसके बजाय कि यीशु पे ध्यान दे, they look to the devil, वो शैतान पे ध्यान देते हैं, who's been defeated by Jesus, जो कि यीशु द्वारा हराया गया है. They are the one who give him so much publicity. और यही शैतान का बहुत ज्यादा विज्ञापन करते हैं. Amen. Amen. So you must know the truth. तो जरूरी है कि आप सत्य को जानें. You must know the truth about God. परमेश्वर को लेकर सत्य को जानिए. You must know the truth about the devil. शैतान को लेकर सत्य को जानिए. He is powerful. वो सामर्थ्यशाली है. Because he is a spirit being. क्योंकि वो एक आत्मिक प्राणी है. Amen. Amen. He is a spirit being. वो एक आत्मिक प्राणी है. He is powerful. वो सामर्थ्यशाली है. But remember. पर याद रखिए. Jesus defeated him. कि यीशु ने शैतान को हराया है. On the cross. क्रूस पर. Amen. Amen. You must know this. और इसकी जानकारी आपको होनी ही चाहिए. He is the one who has robbed us. और वही एक है जिसने हमारी चोरी की है. The life that God gave us. और जो जीवन परमेश्वर ने हमें दिया. The wonderful life. और सुंदर जीवन. The blessed life. आशीर्वादित जीवन. To dominate over all the works of God's hand. ताकि परमेश्वर के हाथों के हर एक रचना पे हम प्रभुता करें. No sickness, no disease. कोई बीमारी, कोई रोग नहीं. No death. कोई मृत्यु नहीं. No curse. कोई श्राप नहीं. Such a life God had given us. तो ऐसा आशीर्वादित जीवन परमेश्वर ने हमें दिया था. But man sinned. पर इंसान ने पाप किया. And then set him free. और उसके बाद शैतान आजाद हुआ. From that time, you know, he was bound in darkness. अब जानते हैं शैतान अंधकार में बंधा हुआ था. Since there was no darkness, क्योंकि अंधकार ही नहीं था. When God made man, जब परमेश्वर इंसान को बनाया, he couldn't do anything. तब शैतान नुकसान नहीं पहुंचा पाया. But when sin entered, पर जहां पाप ने प्रवेश किया, through man, मनुष्य के द्वारा, we released the devil. हमने ही शैतान को खोला है. From that time, और उस समय से, he's taken over. वो राज करता है. And he's become the god of this world. और जगत का ईश्वर बन बैठा है. Whether people believe it or not, चाहे लोग विश्वास करें ना करें, all these problems, ये सारी तकलीफें, are because of the devil. ये सिर्फ शैतान के कारण है. Though man does it, इसके बावजूद कि इंसान ये काम करता है. Because he is influenced by the devil. क्योंकि शैतान के प्रभाव के नीचे वो रहता है. If he knows what are the works of the devil, यदि इंसान जान ले कि शैतान के काम कौन से, he won't be a partaker of the devil's works. तो शैतान के कामों का वो भागीदार नहीं बनेगा. Amen. Amen. You must know what is of God. आपको पता होना चाहिए कौन सी बातें परमेश्वर से है और कौन सी बातें शैतान से है. People are so confused. लोग इतने उलझन में हैं. What is of the devil? They think it is of God. They receive it.
और जो बातें शैतान से उन्हें लगता है परमेश्वर से और वो उसे अपना लेते हैं and what is of God they resist it और जो परमेश्वर से है उनका विरोध करते हैं the bible says वचन में लिखा है submit to god कि परमेश्वर के हवाले कीजिए you must know what is of god इसका मतलब है आपको पता होना चाहिए कौन सी बातें परमेश्वर से है if you don't know what is of god यदि आप नहीं जानते कौन सी बातें प्रभु से है you won't submit it तो आप अपने आप को उनके हवाले नहीं करेंगे ignorantly unknowingly you may resist it और अज्ञानी तौर से अनजाने तौर से आप उनका विरोध या सामना करेंगे god is a good god परमेश्वर भला ईश्वर है amen amen the devil is a bad devil और शैतान बुरा शैतान है all good gifts come from god सारे अच्छे और भले दान परमेश्वर से आते हैं amen Amen. He's a good God. वो भला ईश्वर है। When you come to God, जब आप परमेश्वर के पास आते हैं, तो आपको डर के मारे आपके सामने विश्वास से आइए। He's a good God. वो भला ईश्वर है। But if your information is wrong about him, यदि परमेश्वर को लेकर आपकी जानकारी गलत है, you are resisting. तो आप विरोध कर रहे हैं। God's goodness. परमेश्वर की भलाई का। To enter your life. कि आपके जीवन में प्रवेश ना कर पाए। God never closes his door. परमेश्वर अपने दरवाजे को कभी बंद नहीं करता क्यों? Because Jesus finished the work. क्योंकि यीशु ने कार्य को समाप्त किया. And after he finished. और कार्य समाप्त करने के बाद. And declared it is finished. और ऐलान किया कि समाप्त हुआ. The door of blessing from God is open. तो परमेश्वर से जो आशीर्वाद का द्वार वो सदा के लिए खुल चुका है. Amen. Amen. You're not trying to do anything to open the door. आप कोई कोशिश या मेहनत नहीं कर रहे ताकि उस दरवाजे को खोल सके. Grace has opened the door. कृपा ने वो द्वार खोल दिया है. Jesus has opened the door for you. यीशु ने वो द्वार आपके लिए खोल दिया है. That's what the Bible says. यही तो वचन में लिखा है. Yes, open the door कि उसने वो द्वार खोला no है one can shut it. आप कोई पुनः उसे बंद नहीं the कर सकता cannot shut it for शैतान you. उसे बंद नहीं करता आपके no लिए man can shut it for कोई इंसान आपके लिए वो बंद नहीं कर सकता it is by your ignorance ये आपकी अज्ञानता के द्वारा close the door आप खुद वो दरवाजा बंद करते हैं ताकि वो आशीर्वाद आपको ना मिल पाए ये परमेश्वर नहीं है but the messages are wrong जो संदेश दिए जा रहे हैं वो गलत है बहुत से संदेश गलत दिए जा रहे हैं वो परमेश्वर को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं या परमेश्वर को बदलने की कोशिश कर रहे हैं परमेश्वर को सहमत या मनाने की कोशिश कर रहे हैं आपको ऐसे सारे काम करने की जरूरत नहीं है आपको परमेश्वर को बदलने की जरूरत नहीं है Good. आपको उसे भला बनाने की जरूरत नहीं है या कृपालु दयालु बनाने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है वो हमेशा से ही भला रहता आया है Amen. You're wasting your time आप अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं जहां परमेश्वर को बदलने की कोशिश करते हैं और उसे सहमत और मनाने की कोशिश करते हैं जहां उसे प्रसन्न करने की आप कोशिश करते हैं आप अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं वेस्टिंग योर टाइम समय को बर्बाद कर रहे हैं You cannot do it. आप ऐसा नहीं कर सकते He's always good. वो हमेशा सही भला है You don't change him. आप उसे नहीं बदलते But the right knowledge change yourself. और सही जानकारी पाके खुद को Bring बदलिए your mind. अपनी सोच नहीं बनाइए You change your mind. आप अपने मन को बदलेंगे Amen. Amen. Then you get connected to the goodness of God. और उसके बाद परमेश्वर की भलाई से आप जुड़ जाएंगे You know, I've seen Christians too. मैंने मसीहों को भी देखा है Till now, they are still struggling. अब तक वो संघर्ष कर रहे हैं With the law and the grace message. जहाँ व्यवस्था, नियम शास्त्र और कृपा की बात आती है, दोनों में अब भी उलझे हैं। They talk about grace. वो कृपा के बारे में बोलते तो हैं। Actually, they don't know grace. पर दरअसल वो कृपा को जानते ही नहीं। They live in fear. वो डर में जीते हैं। Thinking when God will target them. उन्हें लगता है पता नहीं कब परमेश्वर अपना निशाना। So they go from meeting to meeting. निशाना कब मेरी ओर साधेगा, कब मुझे शिकार बनाएगा, इसलिए सभा छोड़ एक सभा दूसरी सभा में भागते चले so जाते हैं। Now 10 days before God. अब प्रभु के आगे मैं 10 दिन बिताऊंगा। I'll do fasting for 10 days. मैं 10 दिन उपवास रखूंगा। So that God will be happy with me. ताकि परमेश्वर मेरे जीवन को लेकर खुश हो जाए। And then they become happy. और उसके बाद उन्हें अच्छा लगने लगता है कि अब परमेश्वर मुझे लेकर खुश है। They come out. A few days they become happy. अब थोड़े दिन तक वो खुश रहते हैं. Because that sensation is there. क्योंकि उस तरह की भावना बनी रहती है. उस तरह की महसूस बना रहता है. The feeling is there. कि उस तरह की भावना बनी रहती है. So once again they come back to the course of life. और उसके बाद जीवन के रोजमर्रा के जीवन के वो फिर से आ जाते हैं. Once again the fear comes. फिर से डर उन्हें दबोच लेता है. Again they think ना अभी किधर जाने पड़ेगा. कोई सेमिनार है क्या 15 दिन का 20 दिन का. उधर थोड़ा मैं ताजा हो जाऊंगा. It's not that way. तो ऐसा नहीं चलता. See, God is the same. परमेश्वर समान है. Amen. Amen. He never changes. वो कभी नहीं बदलता. You renew your mind. आप अपनी सोच नई बनाइए. Amen. Amen. You can live a blessed life. आप चाहे तो आशीर्वादित जीवन जी सकते हैं. Okay. You know, don't be offended. बुरा मत मानिए. If I don't say that, then how will you know? यदि मैं नहीं बताऊंगा तो आपको पता कैसे लगेगा? You know, some people get offended. आप कुछ लोग बुरा मान जाते हैं. Okay. So the gospel is a blessing. तो शुभ वर्तमान महान आशीर्वाद है। The message is a blessing.
शुभ वर्तमान का संदेश महाशुभात है आप मानते हैं विश्वास करते हैं When you hear, जब आप इसे सुनते हैं from God, परमेश्वर से आया remember, संदेश तो याद रखिए it's good news. तो ये अच्छी खबर है Amen. Amen. See, God never condemns. देखिए परमेश्वर कभी दंडित नहीं करता. You know, you must come on Sundays and other days. आपको रविवार और दूसरे दिन आना है. To get the right message. ताकि सही संदेशों को पा सके. You know, the Bible says God even does not even condemn the sinners. और बाइबल तो कहती है कि वो जगत का न्याय भी नहीं करता. How will he condemn you? फिर वो आपको दंडित क्यों करेगा? If you're a child of God. यदि आप परमेश्वर के संतान हो चुके हैं. Amen. Amen. He doesn't condemn the sinners. तो वो पापियों को भी दंडित नहीं करता. Many of the messages are. You sinners, you're going to hell. अब बहुत से संदेश दिए जाते हैं तुम पापी हो तुम नर्क में जाओगे. See, God, he paid, he became a sacrifice. If you read John 1 John 2:2. यदि आप एक यूहन्ना 2:2 पढ़ें. Read if you want from the Bible. यदि आप पढ़ना चाहते तो खुद पढ़िए बाइबल से. Read 1 John 2:2. एक यूहन्ना 2:2 में आप पढ़िए आप खुद देखेंगे. You know, if we see it with our own eyes, you'll believe. यदि हम अपनी खुद की आंखों से देखेंगे तो हम विश्वास करेंगे. You know, 1 John 2:2. No. अब एक यूहन्ना 2:2 रीड इन हिंदी इन द मीन टाइम वो हमारे पापों के लिए प्रायश्चित बना और केवल हमारे पापों के लिए नहीं पर सारे जगत के Look पापों के लिए खुद ध्यान दीजिए Is the sacrifice कि वो बलिदान चढ़ा the sin offering वो पाप के लिए बलिदान the penalty for sin पाप का जुर्माना वो खुद चढ़ा Because God is just क्योंकि परमेश्वर धर्मी है Amen. Amen. The sin punishment must be borne to set the sinner free zaruri ke paap ka prashit bhuktan bhara jaye taki paapi ko mukti mile azadi mile amen darti pe bhi hum log ne galti kiya to jail hai na phansi hai bada galti rahega to there is punishment to dand milta hai jurmana to bharna padta hai to hamare paapon ko liye kya punishment to kya paapon ki koi saza nahi parmeshwar ek nyayi ishwar hai what did god do to parmeshwar ne kya kiya he sent jesus usne ishu ko bheja to become the sacrifice taki hamare liye balidan bane because the wages of sin is death kyunki paap ka vetan maran hai so jesus became a sacrifice of death isliye mrityu ka balidan swayam ishu chada to pay the penalty of our sin taki hamare paap ka bhuktan kare dekhi yahan kya likha hai he is the sacrifice wo prashit hai for our sin hamare paapon ka prashit hai and then he makes it clear aur uske baad wo saaf saaf kehta hai sirf hamare paapon ke liye nahi but also of the whole world par sare jagat ke paapon ka prashit wo khud bana hello amen Is it the God of Christians? तो क्या वो केवल मसीहों का ईश्वर है? Does he love only Christians? क्या वो केवल मसीहों को ही चाहता है? Does he tell the Christians उनको मारो, बर्बाद कर दो, खत्म कर दो? Never. क्या वो मसीहों को खून खराबा करने के लिए कहता है? Never. कभी नहीं. And I don't think Christians do that. और मुझे लगता नहीं कि मसीह ऐसा करते होंगे. Amen. Amen. Because we know who is the killer. क्योंकि हम जानते हैं कि घातक कौन है? Satan is the killer. शैतान मारने वाला है. The stealer, the destroyer. वो चोरी करने वाला, खून करने वाला है. To do all these things. You require the quality of hate. आप जानते हैं खून खराबा करने के लिए आपके अंदर नफरत का स्वभाव होना जरूरी है. You cannot do it if you don't have this quality. यदि मन में नफरत ना होगी तो आप खून खराबा नहीं कर See, सकते. See, the devil looks for this quality. देखिए शैतान इसी गुण की तलाश में रहता है. If someone murders, यदि कोई खून करता है, he doesn't murder. तो वो खून नहीं करता. First, the devil influences with hate. पहले शैतान उसके मन में नफरत भरता है. And through that hate quality, और उस नफरत के स्वभाव से, the devil does violence through शैतान हिंसा और मारपीटी और खून खराबा उसके द्वारा करता है. And he is fulfilling the devil's purpose. और वो शैतान के मकसद को दरअसल पूरा कर रहा है. See, the devil is a spirit being. देखिए शैतान एक आत्मिक प्राणी है. He cannot do it directly. वो सीधे किसी को मार नहीं सकता. He needs a vessel. उसे एक पात्र चाहिए. The human vessel. एक इंसानी पात्र. And those who have the quality of hate, और जिस किसी के अंदर नफरत का गुण है, he is very close to the influence of the devil. तो ऐसा इंसान शैतान के प्रभाव के बहुत ही करीब होता That's है। I always tell you, इसे मैं हमेशा कहता हूँ। Don't keep the negative emotions। कि नकारती भावनाओं को मन में जगह मत दीजिए। Negative qualities। ये नकारती गुणों को मन में जगह मत दीजिए। You become an easy target for the devil's purpose। तब शैतान के मकसद को पूरा करने के लिए आप आसान निशाना बन जाते हैं। Amen। Amen। He looks for a ground। वो जगह ढूंढता है। He cannot live on the ground of love। वो प्रीति की जगह नहीं रह सकता। On the ground of light। प्रकाश के स्थान में नहीं रह सकता So you must know all this. तो ये बात आपको पता होनी चाहिए See, if you don't keep all this in your life, देखिए इन बातों को यदि आप अपने मन में जगह ना दे The Bible says, don't give him place. वचन में लिखा शैतान को बिल्कुल जगह ना दो how you give him place? आप कैसे शैतान को जगह देते हैं You must know what is of God, what is of the devil. तो आपको पता होना चाहिए कौन सी बातें प्रभु से हैं, कौन सी बातें शैतान से हैं। So the people of the world don't know all this. और दुनिया के लोगों को ये बात पता नहीं है। They think they are working for God. उन्हें लगता है हम प्रभु के लिए काम कर रहे हैं। चलो उसको खत्म कर दो, उसको मार दो। प्रभु ऐसा कभी नहीं बोलेगा। He's not the killer. वो कोई घातक नहीं है, खूनी नहीं है। Destroyer. वो नाश करने वाला नहीं है। Amen. Amen. See, when God comes into your life. देखिए जब परमेश्वर आपके जीवन में आ जाते हैं। The Bible says, you have God's love in your life. तो वचन में लिखा है कि परमेश्वर की प्रीति आपके मन में भर जाती है। And that's the most powerful
powerful quality of God. और ये परमेश्वर का सबसे ज़्यादा सामर्थ्यशाली गुण है. Amen. Amen. See, the love quality of God in you is the most powerful. देखिए परमेश्वर की प्रीति वाला गुण आपके अंदर बहुत ही सामर्थ्यशाली गुण है. Because the devil doesn't have even an atom of love. क्योंकि शैतान के अंदर एक प्रीति का अंश तक नहीं है. There's no love in his kingdom. उसके राज्य में बिल्कुल प्रीति नहीं है. Satan even doesn't love his own demons. यहाँ तक कि शैतान अपनी दुरात्माओं से भी प्रीति नहीं करता. I told you who is Satan. मैंने आपको बताया कि शैतान कौन है. He's an angelic being. वह एक स्वर्गीय प्राणी है. He's not a human being. वो कोई इंसान नहीं है. People are so confused. लोग इतने गड़बड़ाए हैं. Don't think when you die, the wicked man dies, he becomes a demon. कभी ना सोचिए कि जब कोई बुरा इंसान मर जाता है तो वो भूत या शैतान बन जाता है. नहीं. वो आत्मा भटकेगा, वो ऐसा करेगा, वैसा सब कुछ नहीं होएगा. That is all theory. That is not from the Bible. ये सब झूठ है. ये शैतान से, ये वचन से नहीं है. See, people mix it up. देखिए लोग मिला के रख देते हैं. That's why that other doctrines have come. Human beings can later on become a dog and this. No. और ये कारण है दूसरी शिक्षाएं भी आ चुकी है कि इंसान पुनर्जन्म लेता है फिर कुत्ते के रूप में बिल्ली के रूप में आता है. नहीं आता. Everyone is created different. और हर एक प्राणी की जाति अलग अलग है. Amen. Amen. The highest consciousness has the man has. और सबसे जीवन की उत्तम श्रेष्ठता इंसान को दी गई है. Highest consciousness of life God gave to man. और जीवन की उत्तम श्रेष्ठता का विवेक इंसान को दिया गया है. They don't move from one person to animal. No. ऐसा नहीं कि एक योनि को छोड़ के वो दूसरी योनि में उतर आते हैं फिर कुत्ते बन जाते हैं जानवर. God made everything according to its kind. वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने प्रत्येक प्राणी को अपनी जाति अनुसार बनाया. All this is to put fear in your life. देखिए सारी बातें आपके मन में डर पैदा करने के लिए रखी गई है. Someone who dies. कि कोई जब मर जाता है. Please that person otherwise he'll come like a bhoot and he'll harass me. उस आत्मा को प्रसन्न करना होगा नहीं तो वो दोबारा आएगी और मुझे परेशान करके सताएगी. No, कोई भूत नहीं आता. No, once a person dies, एक बार एक व्यक्ति मर जाता है. No, I have written a very big book on death. मैंने मृत्यु पे एक बहुत मोटी किताब लिखी है. Exactly what happens. और मरने के बाद हूबहू क्या होता है. The second a person dies. और जिस पल एक इंसान मरता है क्या होता है उस पल. But I never brought that book. पर वो कभी मैंने छापी नहीं. I'm running out of time. I'm not. क्योंकि मेरे पास बहुत कम समय है. समय कम पड़ जाता है. But if you read that book. पर यदि आप वो किताब पढ़ेंगे. You'll come exactly. तो आप बिल्कुल जान पाएंगे सच कि मरने के बाद क्या होता है. How a soul moves out. कि कैसे एक प्राण इस शरीर को छोड़ता है. How the exotic this. Escorting angels come. कि कैसे उसके रक्षा करने वाले दूत तैनात होते हैं. कैसे उन्हें पता लगता है ये इंसान मरने वाला है. It's a very big message. ये बहुत बड़ा संदेश है. If someone can help me, I can bring that book. यदि कोई मेरी मदद करे तो मैं चाहूंगा कि उस किताब को छाप के निकालूं. It's good to know the truth because the devil is a great deceiver. क्योंकि अच्छी बात होगी यदि आप सत्य को जाने क्योंकि शैतान बहुत बड़ा झूठा है. Amen. Amen. Once a person moves out of this life, एक व्यक्ति जब इस धरती को छोड़ता है, इस जीवन को छोड़ता है, body, अपने शरीर के बाहर निकल आता है, he can never, he won't come back again on this planet, physical planet Earth. तो ये जो शारीरिक पृथ्वी ग्रह है इस भूमि पर वो कभी दोबारा वापस नहीं आता. उसकी वापसी नहीं हो सकती. Amen. Amen. That's the finality. और ये अंत है. But is not eliminated, he is there. पर ऐसा नहीं कि उसका विकासवाद हुआ है, वो समाप्त हो चुका है. नहीं, उसका अस्तित्व बना रहता है. To heaven or hell. या तो वो स्वर्ग जाता है या That's फिर all. नरक जाता है. बस इतना ही. There is no third place. तीसरा कोई स्थान है ही नहीं. That's what the Bible teaches. यही बाइबल सिखाती है. That's why you must. This is very important. We must know the truth. इसलिए सत्य की जानकारी हमें होना बहुत जरूरी है. Because, you know, I feel very sad when some terrorists they kill others and by killing themselves. And then they think they'll go to heaven. मुझे बहुत दुख होता है जब मैं देखता हूँ कि वो आतंकवादी दूसरे लोगों को मार देता है और मारने के द्वारा उसे वो खुद भी मर जाता है. उसे लगता है कि अब मैं स्वर्ग जाऊँगा. If a killer and a murderer, you know, I wrote many messages on that. और इसमें मैं बहुत संदेश लिख चुका हूँ. If a killer and murderer can go to heaven. यदि हत्यारा और खूनी स्वर्ग जाने लगे. Oh, फिर कौन जाता है heaven को? फिर किसको धरती में अच्छा है? फिर किसको स्वर्ग जाने की ख्वाहिश होगी? हम कहेंगे धरती अच्छी है. Isn't it? ठीक है ना? You'll find all murderers and खून करने वाले, बर्बाद करने वाले सब स्वर्ग में मिलेगा आपको. तो हम लोग रुकेंगे भी नहीं स्वर्ग जाने के लिए. उधर और कतरा है. See, these are all wrong things. The devil is deceiving people. देखिए शैतान लोगों को फंसा रहा है, धोखे में रख रहा है. See, you cannot take the right of another person. दूसरे व्यक्ति का हक आप मार नहीं सकते. You know, Holy Spirit taught me about all this. इसके बारे में पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया. That life is given by God. कि जीवन परमेश्वर द्वारा दिया जाता है. You have no right. To eliminate that life. और उस जीवन का अंत करने का हक आपको नहीं है. We didn't create life. हमने जीवन का निर्माण नहीं किया. God created life. परमेश्वर ने जीवन का निर्माण किया है. Amen. Amen. Okay.
Here it says, तो यहाँ लिखा है, he is the sacrifice for the whole world's sin. कि सारे जगत के पाप के लिए वो बलिदान चढ़ा. That means God so loved the world. इसका मतलब है परमेश्वर जगत से इतनी प्रीति की. Amen. Amen. You know many religions say that God loves only this people or that people, this community, that community, good people. No. अब बहुत सारे धर्मों में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर केवल एक समाज के लोग, एक जाति के लोग, एक श्रेणी या एक दल के लोगों से प्रीति करता है. नहीं. And some people even think that God loves only Christians. और कुछ लोगों को तो लगता है कि हाँ परमेश्वर सिर्फ मसीहों से प्रीति करता है. नहीं. He loves all the people of the world. सारे जगत के लोगों से परमेश्वर प्रीति करता है. And because of His grace. और उसकी कृपा के कारण. His approach to every person is the same. और उसकी हर एक व्यक्ति तक की पहुंच समान है. Amen. Amen. You know when believers see someone is healed. जब विश्वासु देखते हैं कि किसी को आरोग्य मिला है. अरे उसने कुछ तो भी अच्छा कार्य किया रहेगा उसको आरोग्य मिला. ऐसा नहीं है. You're wrong. तब तो आपकी सोच गलत है. God is no respecter of persons. परमेश्वर इंसानों में भेदभाव नहीं करता. Amen. Amen. Because they put all this on sovereignty of God. He will decide. वो उसके हाथ में किसको अच्छा करने का करेगा, किसको अच्छा नहीं करने का नहीं करेगा. अब क्या कर सकते. That is not the teaching at all from the Bible. और ऐसी शिक्षा बिल्कुल बाइबल से नहीं है. If you believe that teaching, यदि वह ऐसी शिक्षा पे विश्वास करते हैं, devil will enter. तब तो शैतान प्रवेश करेगा. And get his work done. और शैतान अपना काम पूरा करके दिखाएगा, क्योंकि आपने कुछ गलत और झूठ पे विश्वास His किया. His way to your life is through deception and lies. झूठ और भ्रम के द्वारा वो आपके जीवन में पैर रख पाता है, मार खोल पाता है. You keep your life protected by truth. आप सत्य के द्वारा अपने जीवन को सुरक्षित रखिए. Amen. Amen. When you know the truth, जब आप सत्य को जान लेते हैं, He cannot put any bondage on you. तो वो आप पर किसी तरह का अपना फंदा नहीं डाल पाता. He cannot change your life. वो आपके जीवन को जंजीर से नहीं बांध सकता. Amen. Amen. You know there was a lady, someone put on the fan once again. It's becoming hot. You know there was a lady for 6 years she was demonized. अब एक ऐसी स्त्री थी कि 6 सालों से उसमें दुरात्मा थी. Pimpri church. Pimpri कलीसिया में. She came from another church. वो दूसरी कलीसिया से आई थी. I know she was not delivered. पर पता नहीं उसे छुटकारा नहीं मिला था. Put on the Facebook page also. और हमने Facebook के पेज पे साक्षी डाली. After hearing the message. और संदेश को सुनने के बाद. And after I prayed for her. और मेरी उसके लिए प्रार्थना करने के बाद. She was making much noise. वो बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी. She was delivered. उसे छुटकारा मिला. A husband was so happy. उसका पति बहुत खुश हो गया. He had many questions. और बहुत सारे सवाल उसके मन में थे. Answer. पर मैं तब उसका जवाब नहीं देना चाहता था. Why others couldn't do this, that. वो पूछना चाहता था कि दूसरे ऐसा क्यों नहीं कर पाए. Anyway, she was delivered. और उसे आरोग्य मिला, छुटकारा मिला. First time I heard the grace message. और उसने कहा कि ये पहली बार है कि जब मैं कृपा के संदेश को सुन रही हूँ. And she was so happy. और वो बहुत ज़्यादा खुश थी. और अगली बार जब वो आगे आई, she came out fresh. वो बहुत ही ताज़ा दिख रही थी. Very nice. साड़ी, अच्छे से उसने साड़ी well पहनी dressed, थी. Clean, वो बहुत ही साफ सुथरी नजर आ रही थी, होश में थी. She spoke in Marathi. और वो मराठी भाषा बोलती थी. She said, she got a nice job. और उसने कहा मुझे अब तो अच्छी नौकरी भी मिल गई है. I'm very happy. और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ. See what grace can do. तो देखिए कृपा आपके जीवन में क्या कुछ कर सकती है. Amen. So that's why you must know the grace. तो बहुत जरूरी है कि आप कृपा के संदेश को जाने. See Titus 2:11 says. देखिए तीतुस 2:11 में कहा है. The grace of God has appeared to all men. कि परमेश्वर की कृपा अब सारे जगत के लोगों पे प्रकट हुई है. God's grace is for everyone. तो देखिए परमेश्वर की कृपा हर इंसान के लिए. But how many are saved? फिर भी कितनों का उद्धार हुआ है? How many are blessed? कितने आशीर्वादित हुए हैं? Why? क्यों? Because either they don't know, पहले तो या तो उन्हें पता ही नहीं है, or they don't know it right, या सही रीति से उन्हें नहीं पता है, they don't believe, या फिर वो विश्वास नहीं करते, because then you don't know, you don't have faith, and you cannot believe. क्योंकि जब आपको पता ही नहीं, तो आप विश्वास नहीं कर सकते, और विश्वास नहीं करते, तो आपको मिलेगा भी नहीं. Okay, let me show you the blessing. आइए कि मैं आपको आशीर्वाद दिखाऊं. In Romans 15:29, और रोमियो 15:29, Apostle Paul says, प्रेरित पौलुस कहते हैं, but I know that when I come to you, I shall come in the fullness of the blessing. Of the gospel. वो कहता है कि जब मैं आऊंगा, मैं जानता हूं मैं तुम्हारे पास आऊंगा, तब शुभवर्तमान की कृपा की भरपूरता को लेकर आऊंगा. Look at this. देखिए वो क्या the कहता है. Gospel is a blessing. कि शुभवर्तमान महान आशीर्वाद है. Amen. Amen. What is the gospel? शुभवर्तमान क्या है? Gospel is the good news. शुभवर्तमान अच्छी खबर है. Amen. Amen. See, God has good news. देखिए परमेश्वर के पास अच्छी खबर है. When you hear his news, जब आप उसकी खबर को सुनते हैं, You must become happy. तो आपको खुश होना है. Because God will never tell lies. क्योंकि परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलेगा. And so God wants you to live in the fullness of His blessing. इसलिए परमेश्वर चाहता है कि उसके आशीर्वाद की भरपूरी में आप जिए. His blessing means He empowers you to be blessed. उसके आशीर्वाद का मतलब है वो आपको शक्ति देता है कि आप आशीर्वाद को भोग सकें. अभी blessing बोला पैसा किधर से आएगा ऊपर से सोना चांदी ऊपर ऐसा नहीं है. He gives the power. वो आपको शक्ति देता है.
Amen. Amen. To be blessed. ताकि आप आशीर्वादित हो सकें. That is the empowerment of God, the anointing of God. ये परमेश्वर का अभिषेक है, उसकी शक्ति, उसकी ताकत है. That is God's favor. ये परमेश्वर की कृपा है. Amen. Amen. You're drawn in favor. आप कृपा दृष्टि में आ जाते हैं. See, once you start believing this. देखिए, एक बार आप इस बात पे विश्वास करने लगते हैं. Many good things, the blessings will gravitate towards you. तो बहुत से अच्छे आशीर्वाद आपके ओर आकर्षित होते हैं. It is never God stopping it. ये परमेश्वर कभी नहीं जो उन्हें आने से रोकता है. ये हमारा अपना विश्वास है. Either it stops it or it permits to flow. या तो हमारा विश्वास उन आशीर्वादों को खोलता है या बंद करता है. The fullness of the blessing is in the gospel of Christ. अब आशीर्वादों की भरपूरता मसीह के सुवर्तमान में है. Gospel is of Christ. और जो ये सुवर्तमान ही अच्छी खबर मसीह की है. Message is about Him. ये संदेश उसके बारे में है. Not about us. हमारे बारे में नहीं. But most of the messages are about you. पर अधिक तो जो संदेश दिए जाते हैं वो आपको लेकर दिए जाते हैं. आप क्या करना चाहिए? आप ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, गाली मत दो, ये मत करो, वो मत. See, that is not the message at all. देखिए, बिल्कुल सही संदेश नहीं है. Many messages are towards people. अब बहुत से संदेश लोगों की तरफ ध्यान देते हैं. Religion is towards people. देखिए, धर्म लोगों की ओर आंखें लगाता है. What you should do. कि लोगों ने क्या How करना चाहिए. Behave. कि कैसे व्यवहार करना चाहिए, बर्ताव कैसा होना चाहिए. What you should do. कि आपको कौन से काम करने चाहिए. To move God to bless you. ताकि परमेश्वर को रिझा सके कि वो आपको आशीर्वाद करे. Religion. ये धर्म हुआ. This is grace. ये कृपा है. You must know about grace. और कृपा को लेकर आपको जानकारी होनी चाहिए. About what God did for us. कि परमेश्वर ने क्या कुछ हमारे लिए कर दिया है. And that brings blessing. और यही बात आशीर्वाद लेकर आती है. Amen. Amen. See, when you hear a message. देखिए, जब आप एक संदेश को सुनते हैं. Is it about you? क्या वो संदेश आपको लेकर है? Or about God? या परमेश्वर को लेकर है? बहुत लोगों का मैसेज प्रभु से नहीं आ रहा है, मनुष्य से आ रहा है. तुम ऐसा किया तो आशीर्वाद मिलेगा. Pastor, seven steps बताओ, आशीर्वाद कैसा मिलेगा? See, these don't help. देखिए, सात मुद्दे आपकी मदद नहीं कर पाएंगे. Because someone puts a nice religious look doesn't mean he's religious. आप कोई भक्ति का दिखावा करता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत धर्मी है. Many people are emotional. बहुत से लोग भावुक होते हैं. It won't help. इससे उनकी मदद नहीं हो पाएगी. You'll feel better. आपको थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है? प्रभु बहुत दयालु है. अच्छा लगेगा, पर उसमें कुछ आशीर्वाद नहीं मिलेगा. So the message is about Jesus Christ. ऐसे जो संदेश है वो यीशु मसीह को लेके संदेश है. The cross message is the most important message. और क्रूस की कथा सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण कथा है. Because the problem that we see. क्योंकि जो समस्या हम देख रहे हैं. Came because of sin. ये सारी समस्या पाप को लेकर आई. If there was no sin. यदि पाप ना होता. There would have been no problem. तो कोई समस्या भी ना होती. Amen. Amen. See, when God made man. देखिए, जब परमेश्वर इंसान को बनाया. No sin, no problem. तो वहाँ पाप नहीं था, तो तकलीफ भी नहीं थी. Was the devil there? क्या शैतान मौजूद था? Yes. हाँ, शैतान था. How many demons? कितनी दुरात्माएं थी? Innumerable. असंख्य दुरात्माएं थी. How many people? कितने लोग थे? Two. सिर्फ धरती पे दो लोग थे. दो को भी हाथ नहीं लगा सका हो. आज इतना करोड़ों लोग रह के भी उतना बर्बादी कर रहे हो. That means that much power he had. इसका मतलब है कि इतनी शक्ति तब भी उसके पास थी और अब भी है. इतना पावर था, मैं दो व्यक्ति को भी हाथ नहीं लगा सकता था. Look at the power of God. देखिए, परमेश्वर की शक्ति को. When you have a relationship with God. जहाँ प्रभु से आपका नाता जुड़ जाता है. When you're connected to God. जब आप प्रभु से जुड़ जाते हैं. When you have the life of God. जब आपके अंदर परमेश्वर का जीवन होता है. Amen. Amen. But many Christians forget. पर बहुत से मसीह लोग भूल जाते हैं. When you believe in Jesus. जब आप यीशु पर विश्वास करते हैं. You have the life of God. तो परमेश्वर का जीवन आपके अंदर होता है. Amen. Amen. You have the life. आपके अंदर वो जीवन है. You have the empowerment. आपके अंदर वो शक्ति है. But since you don't know. पर क्योंकि आपको पता ही नहीं. So it's not helping. इसलिए इससे आपको फायदा नहीं मिल रहा. Because knowledge gives you faith. क्योंकि ज्ञान आपको विश्वास देता है. And by faith you respond. और विश्वास के द्वारा आप प्रतिसाद करते हैं. Okay. Romans 1:16 says. रोमियो 1:16 में लिखा है. I am not ashamed of the gospel of Christ. कि क्रूस की कथा सुनाने से मैं नहीं लज्जाता. Why? क्यों नहीं लज्जाता? Because it is the power of God. क्योंकि इसमें परमेश्वर का सामर्थ्य समाया है. Unto salvation. उद्धार दिलाने के लिए. Everyone. हर किसी के लिए. That believes. जो विश्वास करता है. Everyone. चाहे कोई विश्वास करे. Amen. Amen. कोई भी मनुष्य हो, औरत हो, कोई भी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, कोई क्यों ना हो, जो इस कथा पे विश्वास करता है, उद्धार दिलाने की शक्ति इस कथा में है.
Your believing releases God's power. और आपका विश्वास परमेश्वर की शक्ति को खोलता है। See, we cannot force anyone. देखिए हम किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। लोग कहते हैं कि वो जबरदस्ती करते हैं, हम कर ही नहीं सकते। If they don't believe from their heart, यदि वो मन से विश्वास ना करें, God's power will not be released. तब तो परमेश्वर की शक्ति खुलेगी नहीं। Amen. Amen. मेरा ऐसा चक्कू लेके चल प्रभु के पास जा। प्रभु का पावर नहीं रिलीज होएगा, सिर्फ ऊपर ऊपर से लगेगा ये प्रभु का बच्चा है, प्रभु का बच्चा नहीं है। सिर्फ कपड़ा ऐसा सफेद पहनने से प्रभु से बच्चा नहीं होता है। There's a change of your heart. जरूरी कि आपके मन में बदलाव आए। Amen. Amen. You become a new creation. आप एक नई सृष्टि बन जाते हैं। See, outside may look the same. देखिए बाहर से आप पहले जैसे दिखेंगे। But your inner man. पर आपका भीतरी मनुष्य is created new. वो बिल्कुल नया हो जाता है। Amen. Amen. Outside remains the same. बाहरी रूप रंग पहले जैसा ही रखता है। But when you live by that life, पर जब भीतरी जीवन से आप जीने लगते हैं, outside also changes. फिर उसके बाद बाहर भी बदलाव आने लगता है। Amen. Amen. Because that life is the glory life. क्योंकि जो भीतर का जीवन वो महिमा रूपी जीवन है। Amen. Amen. See, religion cannot make you a child of God. देखिए धर्म आपको परमेश्वर की संतान नहीं बना सकता। It can maximum make you a servant. ज़्यादा से ज़्यादा वो धर्म आपको दास का दर्जा दे सकता है। Best servant. अच्छा दास का दर्जा दे सकता है। बहुत काम करता, बहुत मेहनत करता है ऐसा। इसके लिए उसको आशीर्वाद दिया। But because God gives His life in you, you become a child of God. पर क्योंकि परमेश्वर अपना जीवन आपको देता है, इसलिए आप परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। Amen. Amen. You don't have to work it out. आपको इसके लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है। You just have to believe. आपको सिर्फ विश्वास करना है कि मैं परमेश्वर की संतान हूँ। Amen. Amen. You don't have to do anything. आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कोशिश करो प्रभु का बच्चा होने के लिए। कुछ करने को जरूरत नहीं, तुम प्रभु का बच्चा है। अगर प्रभु का जीवन है, तुम प्रभु का बच्चा है। Amen. Amen. In the natural family, it happens that way. जो धरती पर हमारा परिवार है, उसमें भी ऐसा ही होता है। When you're born, जब आपका जन्म होता है, चल मैं कोशिश कर रहा हूँ, डैडी एक मिनट, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, अच्छा काम करके तुम्हारा बेटा बनने का कोशिश। नहीं, तुम काम नहीं किया तो आलसी बना सोते रहेगा दिन रात, सुबह 12 बजे भी उठा तो बच्चा ही है, isn't it? मैंने कहा प्रेज गॉड, अभी से और आलसी बनता हूँ, बनो फिर भी तुम्हारा बेटा है बनेगा। बाप मेरे को चिल्लाएगा, ऐसा क्यों सिखाया पास्टर, बेटा पहले 10 बजे उठता है, 12 बजे उठेगा। But you never change. पर आपका औदा कभी बदलता नहीं। Amen. Amen. See, the same way. इसी रीति से। You are a child of God. आप परमेश्वर की संतान हैं। Amen. Amen. When you get this doctrine right, जब ये शिक्षा आपको सही रीति से मिलती है, your living will be right. तब आपका जीना सही हो जाता है। And you'll work more for the Lord. और ज्यादा प्रभु के लिए काम करेंगे। पुत्र के नाते। Not as a servant. दास के नाते नहीं। Not expecting महिकिया एक चैप्टर बाइबल पढ़ा आशीर्वाद, अच्छा दो चैप्टर, ऐसा नहीं करेगा। तो बदले में आप उम्मीद नहीं रखेंगे आशीर्वाद होने की। Amen. Amen. तुम 10 चैप्टर भी पढ़ा तो अभी पढ़ने का था, अभी ऐसा नहीं बोलेगा तुम, तुम पढ़ते रहेगा, पढ़ते रहेगा, प्रभु खुश है मेरे से हमेशा। Amen. Amen. You'll enjoy doing things. तो प्रभु के लिए काम करना आपको अच्छा लगेगा। Based on His love for you. उसकी प्रीति के आधार पे जो आपके लिए उसके मन में है। Okay. So how does God release His blessing? तो परमेश्वर अपने आशीर्वादों को कैसे खोलता है? Through the grace gospel. कृपा के सुवर्तमान के द्वारा, जो कि परमेश्वर का सामर्थ्य है, उद्धार दिलाने के लिए, everyone that believes. हर किसी के लिए जो विश्वास करता है। It releases God's power. तो इसमें परमेश्वर की शक्ति खुलती है। Gospel means good news. सुवर्तमान का मतलब है अच्छी खबर। Who's good news? किसको लेकर अच्छी खबर? The news about Jesus. यीशु को लेकर अच्छी खबर। Grace is about Jesus. कृपा यीशु को लेकर है। Amen. Amen. What He did for us. कि उसने क्या कुछ हमारे लिए किया? Without Him, we have nothing. बगैर उसके हम कुछ भी नहीं है। But when you know Him, पर जब आप उसे जान लेते हैं, your standing is right. तब आपका ठहरना सही हो जाता है। Your position is right. आपका पद सही हो जाता है। You are righteous. आप धर्मी ठहरते हैं। Amen. Amen. You not try to be righteous. आप धर्मी बनने की कोशिश नहीं कर रहे। The more you try by your own strength, you'll never be righteous. जितना ज्यादा आप अपने बलबूते धर्मी बनने की कोशिश करेंगे, उतना ही आप कभी धर्मी नहीं बन पाएंगे। Christ becomes your righteousness. मसीह आपकी धार्मिकता बन जाता है। When He's in you, जब वो आपके अंदर आ जाता है, तब आप धर्मी बन जाते हैं। The Bible says, when you know this, वचन में लिखा जब आप ये जान लेते हैं, तो आप जीवन में राज करेंगे। Amen. Amen. See, my dear friends, मेरे प्यारे मित्रों, the most important part of whatever we are teaching is, अब जो कुछ हम सिखा रहे हैं, उसका सबसे महत्वपूर्ण भाग ये है, that you must have the life of God. कि जरूरी कि आपके अंदर परमेश्वर का जीवन हो। That's all. बस इतना ही। You know, other things are just for to gain this world. अब बाकी चीजें दुनिया के आशीर्वाद पाने के लिए है। सिर्फ गेनिंग ऑफ द वर्ल्ड तुम्हारा एम है,
So what does it profit a man if you gain the whole world and lose your soul, the Bible says. वचन में लिखा है क्या लाभ उस मनुष्य को जो सारे जगत को जीते पर अपने प्राण को खो दे. Amen. Amen. Our motive is not that. हमारा मकसद वो नहीं है. Our motive is to have the life of Christ. हमारा मकसद यही है कि मसीह का जीवन हमारे अंदर हो. Life of heaven. और वो स्वर्ग का जीवन है. So whether we live or die. फिर चाहे हम जिए या मरें. Even death becomes a gain. यहाँ तक कि मृत्यु भी हमारे लिए लाभ साबित होगी. Hello. We don't have fear of death. मरने को लेकर हमारे मन में डर नहीं है. When we die, we go to heaven. जब हम मरेंगे तो हम स्वर्ग जाएंगे. That's the best place. और वो उत्तम स्थान है. That's the homeland of our Father. वो हमारे पिता का स्वदेश है. As long as we live on this earth. जब तक कि हम धरती पे जी रहे हैं. We're going to live Christ life. हम मसीह का जीवन जिएंगे. And when we leave this earth. ताकि जब हम धरती को छोड़ें. We're going to live with Christ forever. तब हम मसीह के साथ सदा के लिए रहेंगे. Amen. Amen. So your present and your future is blessed. तो आपका वर्तमान और भविष्य दोनों आशीर्वादित है. Don't bargain. Things of this world for the spiritual life. आत्मिक बातों के लिए दुनिया की चीजों को लेके सौदा मत कीजिए. Use करो वापस रख दो उधर. क्योंकि इसको लेके तो नहीं जाने वाले हम लोग. जितना use करने का रख देने का वापस. God loves you. परमेश्वर आपको बेहद चाहता है. Keep on believing. विश्वास बनाए रखिए. Let's all stand up. आइए सब ठहरेंगे. शुक्र.